गुड मॉर्निंग एवरी वन और एक गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी Once again, गुड मॉर्निंग All right. सो so, आज से आपका नया जर्नी शुरू हो रहा है ग्रुप टू का सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट सो आई विश कि आप दोनों ग्रुप्स बहुत अच्छे से करेंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं मई 24 में हमें पता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मई 24 तो डेफिनेटली आप अच्छे से रॉक करोगे एज़ फार एज़ ऑडिट इज़ कंसर्न एक बड़ा भाई होने के नाते ये सलाह दूंगा कि जितना ज़्यादा फैकल्टी से जुड़ते रहोगे आई कांटेक्ट में पढ़ोगे और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ पढ़ोगे जितना फैकल्टी के साथ डिस्कशन करोगे वो आपको काम आएगा ऑडिट में बहुत ज़्यादा काम आएगा ऑडिट में रवि सर के बारे में मैं अगर बताऊं तो मैं डेफ़िनेटली उनको जैसे मैं विशाल सर को अपना आइडल मानता हूं मैं सेकंड रवि सर को इसलिए मानता हूं क्योंकि जो आपको मैं एएस पढ़ाता हूं अपनी क्लास में एएस का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के एस ए के साथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ और रवि सर से मैं बहुत सारी गाइडेंस इसलिए लेता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ तो वो ऑडिटिंग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं शुरू में प्रैक्टिस में था तो मेरा मीडियम साइज फॉर्म था बट रवि सर ऑब्वियसली बिग फोर्स में काम कर चुके हैं तो जब से मेरा मेरा रवि सर से कनेक्शन हुआ है लगभग हो गए पाँच छः साल तब से लेकर मैंने अपने जो एग्जाम्पल्स और डेवलप किए फाइनल लेवल पर इंटर लेवल पर क्योंकि पता रहता है कि आपको जो एक बंदा है गाइड करने वाला कि इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है किस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं अकाउंट्स में अपने ए एस में समझा ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है अब वो ट्रू एंड फेयर व्यू को एक नेक्स्ट लेवल तक रवि सर लेके जाएंगे और सच बताऊं तो इसमें मैं अपने ए में जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको कई बार बीच में देता रहता हूं उसमें कुछ क्रेडिट्स रवि सर का भी है क्योंकि उनके साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जिसमें मुझे समझ में आता है कि यस एक प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है एंड वी स्मार्ट इज प्राउड कि वी हैव दैट फैकल्टी जो हमारे पास ऑडिट में फाइनल लेवल पर एटलीस्ट पंद्रह साल से पढ़ा रहे हैं क्योंकि फाइनल लेवल का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जैसे मैं फाइनल लेवल पर पढ़ा रहा हूँ इन तो मैं जब आपको ए एस डिलीवर कर रहा हूँ तो आपको अभी समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि हाँ यार क्या डेप में अपन क्या डीप में जा रहे हैं उसी तरीके से जब आप एस एस पढ़ोगे स्पेशली मुझे अभी सुनने को आया कि ऑडिट में शायद फाइनल लेवल के भी एस एस आए हैं है ना कुछ छः आठ ए एस आए हैं तो यस तो वो वाले ए एस फाइनल लेवल के आपको यहाँ पर इंटर लेवल में पढ़ाए जाएंगे तो आपको फाइनल में तकलीफ नहीं होगी फाइनल में समझने में आपको आसानी होगी एक लिंक ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स के साथ बैठ जाएगा सो हैव पेशेंस ट्रस्ट योर फैकल्टी मैं तो यही बोलूंगा हैव पेशेंस ट्रस्ट इन योर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इन योर फैकल्टी लास्ट अगेन अपनी फैकल्टी के साथ जितना ज्यादा कम्युनिकेशन हो सके उतना रखना जितना ज्यादा आपने जैसे मेरे साथ रखा उतना ही मैं आपको बता दूं कि अगर आ, मैं अगर बात करूं रवि सर की तो रवि सर आ, ये मान लो कि उनकी पर्सनैलिटी क्लास में पढ़ाने वाली तो है ही सही पर थोड़ा सा जब तुम क्लास से बाहर उनसे बा, मिलोगे बात करोगे यू विल गेट टू नो कि भाई ये आदमी तो जय सर से और शुभम सर से भी बड़ा वाला बड़ा वाला है हल। <laughs> तो, नहीं मेरी सिर्फ घर वाली है बाहर वाली ऐसी कोई नहीं। अरे <laughs> जय सर की भी सिर्फ घर वाली ही सर लाइव लेक्चर तो रही है सर <laughs> so, नहीं सर को प्रपोजल बहुत आए लेकिन सर ने कभी भी कभी भी उन्होंने घास ही नहीं दी मैं तुमको नहीं देखूंगा <laughs> आज आज इनके लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट आज इनके सोशल मीडिया का ऑडिट होने वाला है सो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस ठीक है नोट्स आपको अभी शायद मिल चुके हैं और नोट्स के बारे में तो रवि सर बता ही देंगे मैं रवि सर के नोट्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मेरे पास मैं जब भी रवि सर का फाड़ू फाड़ू वर्जन अभी नया नया जब भी आता है एक तो नाम भी ऐसा फाड़ू रखा है मतलब वो नाम बार बार लेने में हालत ख़राब होती है तो बार बार मैं उनसे मांगता हूँ कि मुझे सर वो वाला बुक वापस से दे दो क्योंकि मुझे उसको अपडेट करना है अपने इंडियास में एक्जाम्पल के साथ सो so, बुक्स आपको बहुत मजा आने वाली है आपको बुक्स में मजा आएगा बाकी क्लास में जो चीजें होंगी वो रवि सर बताएंगे रवि सर ऑल द बेस्ट चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस ठीक है थैंक यू थैंक यू हेलो सो गाइस देखो सुबह से तो जो फील था वो ग्रुप वन का ही था और uh, yes, no. yes, तो बहुत सारे लोग ग्रुप वन में चल रहे थे और अभी सही मायने में शुरू हुआ ग्रुप टू uh -huh. मैं जानता हूं आज पहले दिन बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ा डर होगा ग्रुप वन की क्लासेस अभी हुई है उसकी पढ़ाई उसका रिविजन जिसमें थोड़ी फट रही है और अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप टू हो पाएगा कि नहीं।, नहीं हो पाएगा मैं आपको बता दूं दोस्तों आप लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा कुछ बड़ा करने जाओगे ये डर हमेशा आपके साथ रहेगा और अगर आपने सुना है बड़े बड़े पर्सनालिटी से सो तो लिसनिंग टू ब्रेटली बोले इतना तो होना ही चाहिए अगर थोड़ा डर है इसका मतलब आप लोग जान से उस चीज को चाहते हो यू वॉन्ट टू अचीव दैट थिंग तो थोड़ा डर है तो वो अरे थोड़ा डर है तो वो अच्छा है कोई डरने की बात नहीं है बिफोर आई गो टू ऑडिट गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी एक सेशन भी लिया था उसमें मैंने बताया था बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम कि मेरे पास में अगर बहुत सारा टाइम रहेगा तो मैं जंग जीत लूंगा करेक्ट और बहुत सी बार इसलिए कैलकुलेशन करते ग्रुप वन ग्रुप टू का मैं आपको बता दूं अगर मैंने ये आपको पहले भी कैलकुलेशन बताया था अगर कोई बच्चा फिफ्टीन फेफ तक अपनी सब क्लासेस मैं तो कोशिश कर रहा हूं चालीस से पैंतालीस क्लास में जो कि 120 घंटे के अंदर अपना ऑडिट खत्म हो जाएगा जो पिछले बार भी हुआ था पिछले बार एक क्लास हुई थी दो घंटे की और इस बार घंटे की थी ऑब्वियसली हमारे पास में टाइम ज्यादा है तो हम लोग जल्दी चीजों को खत्म करेंगे लेकिन थर्टी फर्स्ट जान तक तो सब खत्म हो जाएगा आपका एफ एम एस एम सब कुछ किसी का बैकलॉग के साथ में भी अगर तक तो, तक जाता है तो 15 से 15 तक आपको टाइम मिलेगा एग्जाम थोड़ी डिले होने वाली है नहीं भी तो चिंता की बात नहीं आपको बता रहा हूं कितने दिन होते से तक मार्च अप्रैल मे कितने महीने कितने दिन नाइनटी 90 डेज है आपके पास में 90 डेज है ना लिसन गाइज अगर आपने क्लास में मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चों सर आपका काम तो हो गया अभी हमारा होना बाकी है ये टेंथ का अप्रोच है ये ट्वेल्थ का अप्रोच है सी में आप इतना समय क्लास में बिताते हैं और हम लोग आपसे इतनी बार रिवीजन करवाते हैं शोड ट्रस्ट इन यूर क्लास टाइम ऑल्सो कभी ये नहीं बोलना मेरा नहीं हुआ आप ये बोलो कि मैंने. कैन यू इमेजिन हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्पेंट इन क्लास कितने महीने मतलब चार महीने 120 दिन चलो 20 दिन छुट्टी पकड़ो कितने दिन 100. 100 इंटू रोज कितने लगभग 10 घंटे सर कम मत करो सर 1100 घंटे आपने क्लास में बिताए। नेवर फर्गेट दैट बैक यूर सेल्फ ऑलरेडी आपने सीए इंटर की तैयारी में 1100 हंड्रेड आवर्स कभी यह मत बोलना कि ये मैंने सब्जेक्ट अभी शुरू नहीं किया है हमेशा यह बोलना कि मैंने 1100 घंटे ग्रुप वन में दिए हैं। हाँ मैं जानता हूं जितना 100% परसेंट एक्सपेक्टेशन था उतना शायद नहीं हुआ है। लेकिन 60 तो वह होगा कुछ लोग मनी मन मेरा तो सर क्या ही बताऊं मैं बट देन गाइज आई वॉन्ट टू से आपने जो क्लास में भी समय बिताया है दैट इज वेरी गुड बैक यूर सेल्फ अगर आपने ये नब्बे दिन है उसमें अगर आप मतलब इसमें आपने जितना पढ़ा है साठ दिन अगर आप देते हो फर्स्ट रीड को मैं फर्स्ट रिविजन बोलूंगा पढ़ा हुआ है सिक्सटी डेज तो पर सब्जेक्ट कितना हुआ पर सब्जेक्ट कितना हुआ दस दिन दस दिन अगर आप लगभग बारह घंटे पढ़ते हो एक सौ बीस घंटे रहेंगे आपको रिविजन करने के लिए अरे कितने घंटे एक सौ बीस घंटे वन ट्वेंटी आर्स और कुछ सब्जेक्ट में तो आपको वन ट्वेंटी आर्स भी नहीं लगेंगे जैसे अगर मैं लॉ का एग्जाम्पल देता हूं आप मुझे बताइए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था नहीं इत, मैं एक्शन नहीं पूछ रहा हूं आई डोंट एक्सपेक्ट कौन सा लॉ पढ़ा था कंपनी लॉ आपने पढ़ा था एक थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए कितने घंटे आपको रिविजन करने के लिए लग सकते हैं चालीस घंटे पंद्रह शुभम सर के रिवीजन लेक्चर कितने घंटे के यार बारह कंपनी लॉ कितने घंटे में बारह चलो स्लो में देखोगे आधी स्पीड में देखोगे तो चौबीस तो और चालीस चलो और कितने पचास कंपनीज़ जैक के बाद में जितना सब कुछ है वो पूरा अपन निपटा डालेंगे कितने घंटे तीस पचास और तीस कितने में अस्सी तुम्हारे पास कितने एक सौ बीस वो भी कौन सी रीड के लिए फर्स्ट रीड के लिए इसके बाद में आपके पास में फर्स्ट रिविजन के लिए दो दो दिन दोगे तो उसमें कितने दिन हो गए बारह वो टाइम भी है उसके बाद और एक बार आप पढ़ोगे वापस सिक्स इंटू कितने हुए? बारह मतलब आप क्लास खत्म होने के बाद में फर्स्ट रीड करोगे फर्स्ट रिविजन दस दस दिन की सेकेंड रिविजन दो दो दिन की थर्ड रिविजन दो दो दिन की उसके बाद में भी कितने बफर दिन बचेंगे बता आपको छ अगर किसी को और रिवाइज करना कुछ छूट गया आपके पास लिटरली कितने बार रिवाइज करने का टाइम है चार और इसके बाद एग्जाम के और पहले आप रिवाइज करोगे कितने हो गए पांच। अगर किसी को भी ऐसा लगता है टाइम कम है तो ये आपका मिथ है मतलब ये सच नहीं है गाइज आज से गाड़ बांध दो टाइम बहुत है आपको फोकस किस पे करना है यूटिलाइजेशन अरे किस पे करना है यूटिलाइजेशन खुल के आपको आपके समय को जीना है और उसको यूज़ करना है आज से जो बच्चा अपने क्लास का टाइम अपने घर पे जाने का टाइम ये टाइम अच्छे से अगर आप यूज़ कर लो तो आप फोड़ दोगे और यूज़ करना मतलब ऐसे एकदम ऐसे एकदम बहुत दुखी हो जाना सीरियस मैं किसी से बात नहीं करूँगा यह अप्रोच सही नहीं है आपको मुस्कुराते हुए रहना है और आपको हमेशा बैक करना है कि मैंने इतने घंटे क्लासेस की मैं फाउंडेशन में पास हुआ हूं लेट मी टेल यू गाइज नीड टू बैक योर अचीवमेंट्स ठीक है बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं भाई साहब आपके अटेम्प्ट में भी लगभग एक लाख बच्चों में से अराइव थाउजेंड क्लियर तो यू आर इनटू टॉप ट्वेंटी अरे यू आर इनटू टॉप ट्वेंटी फाइव और डायरेक्ट एंट्री से भी जो आए हैं उसमें बहुत हिम्मत लगती है भाई हर कोई उसके बाद में सी लेता नहीं है सो so गाइस आपने कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उसके बाद ग्रुप वन में पूरे लगे रहना यहाँ तक पहुँचना आपको पता है ग्रुप वन में क्लासेस किस कोने तक थी और आखिरी तक किस कोने तक थी तो नेवर अंडर एस्टिमेट ऑनलाइन वाले आप भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें तो टाइम बहुत है अच्छे से यूज़ करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुड एटमोस्फियर और मुस्कुराते रहिए खुद को बैक करते रहिए जितना आप खुद के अचीवमेंट्स को बैक करोगे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा सो so गाइस बिल्कुल चिंता लेने की बात नहीं इसमें भी ग्रुप वन के बारे में मैं पहले दिन ही बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बैक ऑफ द माइंड वही चलता है मैडम वही बोल रहे थे सर को सर आपने तो पढ़ा दिया मेरा कब पढ़ के आपको क्लासेस के बाद में आपको क्लासेस के बाद में अगर पूरे क्लासेज जो दिन भर के अगर आपने तीन घंटे में रिवाइज कर लिया और इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम यूटिलाइजेशन में स्मार्टनेस अरे क्या इंपॉर्टेंट है स्मार्टनेस करेक्ट स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे दादी जी एक कहानी सुनाते थे, थे कि दो भाई थे आटा पीसते थे क्या पीसते थे आटा और सभी तरह के ग्रेन आते थे उनके पास पीसने के लिए तो एक भाई क्या करता था एक भाई वो पूरे आटो को मिलाता था यानी मिलाता था अपने घर पे लाता था और जो वाइफ थी उसकी एक रोटी बाँधी थी उसकी एक रोटी बांधी थी और लेकिन वो बहुत परेशान था कि यार मैं परेशान हो गया एक ही खाना खा के वो एक दूसरा भाई सब आटो को अलग अलग रखता था और उसकी वाइफ हर रोज़ एक अलग आटे की कोई अलग डिश बनाती थी शी वॉ स्मार्ट और दूसरा भाई इतना खुश था कि भाई इससे ज़्यादा स्वादिष्ट और इससे ज्यादा वेराइटी तो और किसी के पास हो ही नहीं सकती गाइस, स्मार्टनेस इज गोइंग टू चेंज एवरी आप अगर स्मार्ट स्टडीज करोगे तो आप इतना कुछ अचीव कर जाओगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था इसलिए यू हैव टू बी स्मार्ट और स्मार्टनेस में आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज आसान है उसको फटाफट निपटाओ जो चीज थोड़ी तकलीफ गई उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो तो बच्चे क्या करते हैं पहले के जो दस पेज होते चैप्टर के वो बीस पच्चीस बार पढ़ लेते हैं। और उसके बाद के वो कौन से होते हैं गाइज एक चीज करना अगर आप आज कुछ करे तो एक छोटी सी डायरी लेना ठीक है डायरी लेना और उसमें कौन से क्लास में कौन सी चीज चैलेंजिंग लगी बाकी सारी चीजें फटाफट निपटा देना जो चैलेंजिंग लगी उस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है अगर आपने तीन घंटे में निपटा दिया आपको एक घंटा बचेगा किसके लिए ग्रुप वन के लिए या बैकलॉग के लिए यहां पर भी बहुत से लोगों का बैकलॉग होगा यस yes, नो? No. नहीं है, है? क्या बात ऑनलाइन वालों का होगा थोड़ा बहुत ना लिसन गाइज अगर एक घंटा आपको रिवाइज नहीं करना है क्या बात कर रहे सर आपको रिवाइज नहीं करना है सबसे बड़ी गलती अगर आप क्या करोगे रिवाइज क्या बोल रहे हो सर क्या फूक क्या है कौन सा वाला था ये? सस्ता वाला था हाँ ब्रांडेड मैडम वो चीज ब्रांडेड नहीं होती ओके ओके गाइस आपको मैम आपको बता रहा हूँ आपको रिव्यू करना है फॉर एग्जाम्पल एमेलगमेशन आपने मोटा मोटी देखना है भाई मोटा मोटी मोटा मोटी मुझे आई नो कि दो मेथड होते हैं मेरे को बताइए कि ये तीन चार बड़े प्रॉब्लम हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया यहाँ पे अच्छी एडजस्टमेंट थी एंड ऑन so इतना ही अगर आप करते गए यू शुड बी इन टच विद द सब्जेक्ट अगर आप टच में रहना बहुत बढ़िया चलेगा यहाँ पे आपको वापस लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है क्यों आया ये मेथड ये रिसर्च करना नहीं है आपको सिर्फ जितना पढ़ा है उसको क्या करना है समेटना है रिव्यू करना है रिविजन भी नहीं क्या करना है रिव्यू अगर आपने ऐसा कर लिया थर्टी फर्स्ट जैन तक आपका थर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ ग्रुप वन रिव्यूड रहेगा और आप उसके टच में रहेंगे इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ने का तरीका ये स्मार्टनेस मैं आपको बता रहा हूं आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकता है अब मैं मेरे ऊपर आता हूं मेरे से आप लगभग एक सौ बीस घंटा पढ़ने वाले हो तो मेरे बारे में पता होना चाहिए यस yes, नो no. yes, में कितने परसेंट होंगे मेरे पचास ट्वेंटी परसेंट गाइज इट वॉज अराउंड सेवेंटी परसेंट सेवेंटीज में था मैं और आ, भाई टेंथ में सेवेंटीज में है ना बुरा माना जाता है कितने लोग है सेवेंटीज और टेंथ 10, में बहुत कम है ठीक है तो मेरे से घर वालों का ऐसी कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं थी कि मैं कोई झंडे गाड़ने वाला ऐसी कोई उम्मीदें नहीं थी और मेरे को खुद से भी उम्मीदें नहीं थी ट्वेल्थ पीसीएम कितना होगा मेरा कितने नालायक बच्चे हैं पीसीएम वॉज नाइन्टी सेवन परसेंट नाउ वाई एम अ साइंस स्टूडेंट कितने लोग साइंस वाले खुद को कम समझना नहीं है अपन अकाउंट्स में 85 फाइव प्लस ठोकते थे भाई नाउ गाइज ये सबसे बड़ा चेंज था एंड दैट वॉज अ बिग चेंज सबसे मेरे दोस्तों को मैं क्रेडिट दूंगा संगत मैं जो दोस्तों के साथ रहा दैट वॉज देअर सो गुड ऐसा नहीं मस्ती नहीं करते बट दे वेर सो स्टडी ओरिएंटेड कि उनके साथ साथ में कब मेरा गेयर चेंज हुआ कब मेरा लेवल बदला मुझे ही पता नहीं, नहीं चला एंड फ्रॉम अ स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी घर वालों को भी लगा ऐसे कैसे हो गया इतना कैसे पढ़ लिया तू मेरे को भी लगा ऐसे कैसे हो गया नाउ साइंस में पूरे कॉलेज मुझे याद है सिर्फ दो लोगों ने दो लोगों ने कॉमर्स सिलेक्ट किया दो लोग सीएमए थे मतलब अवर कॉलेज हैज स्ट्रेंथ ऑफ 600 हंड्रेड स्टूडेंट्स और 600 में से दो बच्चे थे जो सीए करने के लिए बाहर निकले और आई रिमेंबर द फर्स्ट क्लास ऑफ माय सीए अपन एकदम डरे हुए फर्स्ट बेंच पे सर क्लास में आने के पहले हम आधा घंटा पहले बैठ गए क्योंकि अपन तो साइंस वाले अपन तो साइंस वाले मैं तो अपन तो मान लिया था एक दो बार तो फेल एक दो बार तो फेल होना ही है सुना था सीए में फेल तो होते ही है एंड आई रिम्बर वर्ड्स ऑफ माई प्रोफेसर उन्होंने बोला था मैं जो तुमको बोलूँ उसको रिलीजियसली फॉलो करना बस एक स्टेटमेंट नथिंग एल्स उसको रिलीजियसली फॉलो करना और कुछ नहीं और हमारे साथ में एक सी बी एस ई का टॉपर था वो इतना कॉन्फिडेंट था खुद के नॉलेज को लेकर ही वो ऑज अ थर्ड टॉपर ऑफ इंडिया थर्ड टॉपर ऑफ इंडिया तो वो सिलेक्ट करता था कि मैं कौन सा क्लास करूँगा तो कौन सा क्लास करूंगा एंड गाइज रिजल्ट केम अपन नागपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप थ्री में थे सेकंड नंबर पे थे पहले एक कन्या थी ठीक है बट देन 76 सिक्स परसेंट टू बींग अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऑफ नागपुर एंड आई मिस माई रैंक बाय वन मार्क एक मार्क से मेरा रैंक मिस हुआ करेक्ट और नाउ उनका रैंक आया मेरा रैंक नहीं है बट एनी वेज आई वॉज सो हैप्पी एक्साइटेड तो हमारे टाइम पे नाम होता P1 कभी सुना है तो प्रोफेशनल एजुकेशन वन लेवल वन तो सब बोलते P1 मतलब लेवल वन इंटर को बोलते लेवल टू नाउ अपन ने बोला भगवान मैं बहुत लकी हूं मैं पहले बार में पास हो गया एक नारियल नहीं कितने चढ़ाऊंगा दो नारियल चढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया अभी नारियल पे क्यों रहे हो यार दो नारियल पे पता नहीं तुम क्या क्या कहानियां सुन क्या है, है और क्या क्या दिमाग में भरा हुआ है सीधा सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि भूल गए भूल गए सीधा सोचना बराबर दे इज नथिंग स्ट्रेट शुभम बराबर उनकी अभी जो उम्र चल रही है वहां पे ओके ओके नाउ गाइस फिर उसके बाद हमारा पी टू शुरू हुआ और यहां पर भी सेम अप्रोच था नाउ लेट मी टेल यू ऐसा कभी नहीं होता सी में बट देन दैट टाइम इट एग्जाम्स गॉट नहीं हुआ इंस्टीट्यूट ने बोला कि अगर आप एग्जाम छह महीने जल्दी देना चाहते हो तो दे दो ठीक है और हपन ने तो बोला था अपने को तो दो तीन अटेम्प्ट लगेंगे यस yes, बोनस मिल गया बोनस मिल गया बोनस अटेम्प्ट अपन एकदम बोले चलो बोनस अटेम्प्ट है अपन बिना डरे बिंदास कि भाई अपने को अपना बेस देना है और अब मैंने कोई रैंक की तैयारी कुछ नहीं किया था सिर्फ एक सिंपल सा रूल था जो क्लास में पढ़ा घर जाके उसको एक बार देख लेना है ओवर व्यू मार देना है और लेकिन वहाँ पर भी स्मार्टनेस था कि मेरे को पता था कहाँ पे ध्यान देना है और कहाँ पे ध्यान नहीं देना है कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है बहुत अच्छे बच्चों पे इतनी मेहनत करते इतनी ज़्यादा मेहनत करते लेकिन वो क्या करते है? स्मार्टनेस कहीं पे रह जाता है बाजू में हर प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाते हर चीज लिखने को जाते थेरी में उनको इतना डर लग जाता लैंग्वेज से एज इट इज लिखते गाइज स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे स्मार्टनेस था और नीडर होके अपन गए थे एंड आई रिमेंबर नहा रहे थे अपन रिजल्ट आया और दोस्त ने बोला पास हो गया तू तो, अलग बहुत बढ़िया अपन खुश हो गए टॉबल पहन के बहुत पास हो गए पास हो गए पास हो गए बस और उसके तब तो क्लिक ही नहीं किया चेक योर रैंक फिर दूसरे दोस्त का फोन आया टावरी है चल सारे। <laughs> फिर मेरे को यह डाउट होने लगा कि रिजल्ट सही में आया कि नहीं आया <laughs> <laughs> पास हुआ कि नहीं हुआ मतलब मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है सो दैट टाइम वी यूज टू गो टू इंटरनेट कैफे तो वहां जाके एंड देन इट अ रैंक सो ऑल फ्रॉम बीइंग 76 और साइंस स्ट्रीम से होने के बाद में बट देन अगर आप भी साइंस टीम से है गाइज आप डेफिनेटली आप भी रैंक ला सकते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन लोग सपना देखते हैं पहले दिन क्लास में आज लवी और अर्नब अपने अपने साथ उनको बुलाऊंगा बाद में आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रहूंगा यहाँ पे हर बैच में ये होता है एवरी बैच दिस हैपन्स ईयर ऑन ईयर स्टूडेंट से दैट नेक्स्ट टाइम आई विल बी देयर एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कम और बोलते हैं कि सर आपने वो बैच में इनको बुलाया था मेरा जब रैंक आया था तो मेरे बैच में भी आई रिमेम्बर आनंद खितान उसका रैंक आया था एंड आई वॉज लाइक बॉस ये हो जाए तो लाइफ में क्या मज़ा आएगा एंड देन तब मेरे को बिग फोर का मतलब भी पता नहीं था आई डिड माई आर्टिकल शिप फ्रॉम प्राइजोटोस कूपर्स मुंबई ऑफिस सो बींग फ्रॉम नागपुर और फिर वहाँ पे नरीमन पॉइंट नरीमन पॉइंट एरिया में ठीक है जॉली मेकर चेंबर्स जहाँ पे हर बड़े से बड़े कंपनी का हेड ऑफिस एंड देन आई एम एंटरिंग देयर एज अ आर्टिकल तो बम्स थे एकदम कि बॉस मैं यहाँ पहुंच गया हूँ एंड आई डिड मै आर्टिकल शिप देयर आई डिड ऑडिट ऑफ सोनी एंटरटेनमेंट लॉट ऑफ ग्लैमर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्लैमर भाई हर सैटरडे पार्टी करते थे लोग हम बिल देखते थे और हमको नहीं बुलाते थे, थे. <laughs> और साल में एक बार सभी एम्प्लॉइज को फॉरेन ट्रिप पे लेकर जाते थे मैं तो भाई मैं इधर ही ज्वाइन करेगा <laughs> क्या रशिया बराबर ना। 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 अच्छा फ्रांस देखो सी ए बनने के बाद रशिया जाना है चाइना जाना है फिलीपींस जाना है थाईलैंड जाना है सी ए बनने के बाद पहले चले गए तो फिर क्या आप जाते हो क्या मैं सब जगह गया मेरे चेहरे पे मत जाओ <laughs> मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मैं आपको बताऊं अर्नव सबसे ज्यादा लकी है मैं सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, भाई मेरे बाल ही नहीं गिर रहे मैं सीनियर ही नहीं लगता <laughs> मेरे बाल सफेद ही नहीं हो रहे दाढ़ी भी सफेद नहीं हो रही <laughs> <laughs> वही तो सफेद नहीं तो पहले छोड़ो यार तो पॉइंट ये है कि बच्चों को मैं बोलो यार पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है चल झूठे करेक्ट गाइज आई डिड मै आर्टिकल्स फ्रॉम पीडब्ल्यू सी मुंबई दैट वॉज अ गोल्डन पीरियड और वोडाफोन का आपने नाम सुना होगा फिर आपने सैरिडॉन गोली का नाम सुना है तो निकलस पिरामल इज अ लिस्टेड कंपनी उसका मैंने ऑडिट किया एंड इट वाज आर्टिकल छ सबसे लवली पीरियड होता है आइफा अवार्ड्स अप्सरा अवार्ड्स इन सब के ऑडिट मैंने किए हुए हैं ठीक है एंड उसकी कहानियाँ मैं कभी सुनाऊँगा आपको बाकी छोड़ो बोले अभी सुनाओ

आई रिमेंबर सत्ताईस साल का सुयश चौधरी सामने बैठा हुआ आई एम लखनऊ ही इज़ द फंड मैनेजर और उसके सामने आई वॉज सिटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन और uh, हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टर्म्स नीगोशिएट कर रहे थे सो इट वॉज़ टू थाउजेंड फाइव सर आप इतने पुराने हो <laughs> जन्मे थे कि <की> नहीं तुम <laughs> चार साल के थे अच्छा 2004 में 2004 जस्ट जस्ट बॉर्न थे सो आई वाज निगोशिएटिंग टर्म्स विथ हिम और एनीवेज उसके बाद में सब बढ़िया था तो तब मेरा स्टाइप वो बोले थे कि भाई दस हजार रुपये दूंगा मतलब बहुत बढ़िया देन आई डिड माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देयर और इससे पहले कि मैं एन आई फाइनल रैंक होल्डर था मैं लेकिन फाइनल में एक अटेम्प में मेरा एक ही ग्रुप निकला आई फेल्ड आई फेल्ड एंड देट वॉज अ बिग शॉक मतलब मेरे आई रिमेंबर मुंबई में हमारी ट्रेनिंग चल रही है जी एम सी एस ट्रेनिंग लेफ्ट में मेरी फ्रेंड बैठी है राइट में फ्रेंड बैठा है इन दोनों गाइड अपन ने किया है रिजल्ट आता है और हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं करेक्ट और एक एक करके रिजल्ट देखते हैं एंड आई क्लियर ओनली वन ग्रुप एंड माई फ्रेंड्स क्लियर बहुत ग्रुप आधा घंटा पूरा लगा फिर बहुत ज़बरदस्त पार्टी वार्टी की एन्जॉय किया बट देन आई गॉट द लेसन ऑल्सो मुझे ये पता चला कि क्या करने से रैंक आया था और यह पता चला कि क्या करने से मैं फेल हुआ हूं आप लोग इस शेयर करूंगा कि वॉट वेंट रॉन्ग बट देन आई वॉज लकी तो समवेयर यू नीट टू कनेक्ट डॉट्स अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं कभी टीचिंग में आता ही नहीं एंड इट हैपन आई मेट माई सर और मेरे सर ने बोला कि यार एक नया सब्जेक्ट आया रवि तेरी थोड़ा मैंने सुना तेरे पास थोड़ा टाइम है तो दिन में एक घंटा पढ़ाएगा क्या सो बिफोर बिकमिंग सी ए आई स्टार्टेड टीचिंग और मेरे को इतना मजा आया सर को मजा आया फिर मेरे को सर ने पहला पेचक दिया सीधा ऐसे क्या चला ये क्या है बोले ये तेरा रेवेन्यू है क्या बात कर करे ऐसा होता है क्या एक्सेल शीट निकालो एक्सेल शीट निकालो लेट्स प्रेडिक्ट माइ टेन ईयर्स हियर लेट्स प्रेडिक्ट माइट टेन ईयर्स देयर सर ये फील्ड बुरा नहीं है

एंड आई रिमेंबर विशाल सर से तब मैं मिला भी विशाल सर ने बोला तू आ जा यार मतलब मेरा नहीं सर मैं नागपुर नहीं छोड़ूंगा जो करूंगा इधर से ही करूंगा बट देन इट हैपन कोविड में कोविड में फेस टू फेस था ही नहीं तो बोले ठीक है ऑनलाइन के लिए जुड़ पहले देखते अपना एंड देन फिर मैं पूना आया और पूना का मैंने प्रेस्टीज पॉइंट का फील लिया बराबर फील लिया एंड इनिशियल बैचेस मैंने दोनों जगह मैनेज किए नई सेट नहीं यार अब करेंगे तो पूरा करेंगे और फोड़ेंगे एंड देन आई शिफ्टेड टू पुणे इन द मंथ ऑफ मार्च अभी आई शिफ्टेड विथ माई फैमिली और अब मैं पूरी तरीके से किसका हूँ पुणे का है सो गाइज दैट वॉज अबाउट मी और क्योंकि इतना समय हाँ इन बिटवीन आई क्लियर माई सी एफ एस ए के दो लेवल्स ऑल्सो आर्टिकलशिप के साथ साथ तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कितने लोगों को इंटरेस्ट है सीएफए में तो कुछ बोलते ये क्या होता है और क्यों होता है कुछ साला सीए पहले खत्म कर ले रे सीए पहले खत्म कर ले ये बोले दुख खत्म ही नहीं हो रहा लाइफ में ओके ओके गाइस नाउ लेट्स कम टू सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट बताओ आपने ऑडिट के बारे में क्या सुना है फेल यही कराता है बोले और बहुत बहुत टफ है आ, बहुत नींद आती है मर जाता है आदमी बहुत बहुत दर्द देता है बोले अच्छा बोला था तुम ही हो एक उम्मीद की किरण है ये निराशा में उम्मीद की किरण शीश से मेरे को तो बहुत अच्छा बोला था किसी बहुत मजा आता है आई अग्री विथ वन थिंग आपके न्यूमरिकल बहुत होते हैं अकाउंट्स कॉस्टिंग में आपको कंटिन्यूसली लिखना होता है तो आप कंटिन्यूसली क्या होते हैं इन्वॉल्व और कुछ लोगों को कैलकुलेटर चलाने में जो मजा आता है <laughs> खास करके पहले दो रो पहले दो तीन तो रो यस yes, नो no? yes, खटा खट भाई मैं तो पंच ही नहीं करूं इनके तो आ जाए और बेचारे पीछे वाले कोई डिप्रेशन में रहते साला इतने जल्दी कैसे आंसर दे रहे हैं? अलग ही टेंशन आ रहा है अपने को। लेकिन मेरे पंद्रह सालों का एक्सपीरियंस और निचोड़ है हर जगह पे कहानी मेमोरी टेक्निक कितने लोगों ने मेमोरी टेक्निक वाला सेशन अटेंड किया था कि मेरा ब्रिज बैच वाला कुछ कम लोगों ने वी यूज मोर देन टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्निक थ्रू आउट द सब्जेक्ट अलग अलग तरह के इमेज रिकॉग्निशन ग्रुपिंग टेक्निक और बहुत अलग अलग तरह के हम लोग मैचिंग टेक्निक ठीक है वियर्ड विजुअलाइजेशंस बहुत सारे अलग अलग यूज करते अगर आप इसको समझ ले अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली नथिंग कैन बीट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नथिंग कैन बीट इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और साथ में अगर आप सही मेमोरी टेक्निक लगा दें मेरा 50% परसेंट टाइम जाएगा कॉन्सेप्ट और 50% परसेंट टाइम जाएगा कैसे चीज़ों को याद, याद रखना है हाउ टू रिमेंबर इट गाइज मैं नोट्स पे आता हूँ अगर ठीक है मैं इट इज़ नॉट अबाउट बूस्टिंग बट देन मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में किसी के भी नोट्स होंगे आप उससे अपने नोट्स को कंपेयर करिए आप उससे अपने नोट्स को कंपेयर करिए और मुझे पता है कि आप बहुत संतुष्ट महसूस करोगे यू विल फील वेरी हैप्पी भाई ठीक ही किया मैंने जो भी किया नाउ सिर्फ नोट बता रहा हो अभी हमारी भास्कर बुक है भास्कर का मतलब समझते हो सूर्य नथिंग बट रवि ध्यान देंगे बहुत ही मजा गया। आ गया लेसन गाइज अगर इसमें मैं नोट्स पे जब जाऊं छोटी छोटी बातें बच्चे सोचते नहीं इसके बारे में लेकिन मैं आपको रियलाइज करवाता हूं अपने पूरे के पूरे नोट्स ये आपके पास नहीं होगा अभी आपको सैम्पल नोट्स मिले अच्छा ये सिर्फ वॉल्यूम वन नहीं है नहीं। <laughs> किसी को लग रहा है भाई ये वॉल्यूम पे वन है तीस पेज वॉल्यूम टू तो और तीस पेज ऑडिट खत्म सौ पेज में करेक्ट लेसन ध्यान दीजिए अगर आप अपने नोट देखेंगे तो एक एक चैप्टर का नाम आपका मैच होगा सीक्वेंस सब कुछ मैच होगा किससे आईसीआई का न्यू स्टडी मटेरियल। बिकॉज वेन आई सी नोट्स सिर्फ ऐसे दिए हुए कौन सा चैप्टर पे कोई लिंक नहीं हो रहा है आप एम टी सब कुछ क्रैक कर पाओगे अपन स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करते हैं? आईसीआई तो आपका पूरा जो इंडेक्स है चैप्टर वन से लेके चैप्टर सिक्स तक आपका वॉल्यूम वन मिलेगा कल वो प्रिंट में चला गया है तो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा जब तक अपने सैम्पल नोट्स है उसके बाद में खास बात अगर आप देखोगे तो अपने नोट्स वापस बहुत सारे नोट्स इंस्टीट्यूट का सीक्वेंस भी फॉलो नहीं कर रहे और उसकी वजह से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सी अपनी चीज़ कहां पे क्या कवर्ड है लेकिन ये कंफ्यूजन कभी आपको नहीं होगा आपको पता होगा कि कौन कहां पर है जैसे लड़कों को पता होता है मैं देखता हूं भाई कुछ लड़के खुद के नाम से ही चल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा मेरे बारे में मैं ही बोल देता ठीक है? और इतने फुल नेम वगैरह कैसे पता चलते पता नहीं भाई मेरे को तो फिर उसके बाद आपके चैप्टर्स में आप देखेंगे पार्ट्स है आपको देख पार्ट फोर ऐसे टू हंड्रेड ठीक है 200 मतलब अपने नोट्स ऐसे वाइज भी है हर चैप्टर और चैप्टर के अंदर एसेज है अरे एसेज मतलब ऑन जैसे अकाउंट्स में क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर आप देखेंगे तो बराबर स्ट्रीमलाइन किया हुआ है स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि कितने एसेज अपन चैप्टर में फोर से शुरुआत करने वाले गाय इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं और हमने वो एफर्ट्स उठाए हैं और एक सीक्वेंस में रखा है इसका मैजिक ये है अगर मैं आपको 500, 501, 505, 510, 20, 30, 50, 60 एक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा तो याद जल्दी होता है <laughs> भाई नहीं तू कहां से आया भाई <laughs> ये मेरे को लग रहा है रात को तो सोया नहीं है ठीक <laughs> है लिसन ठीक है ज्यादा डांस किया था ओके okay. तो आपके ऐसे वाइज है पूरे नोट्स करेक्ट अब अगर हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं नोट्स के तो आपके हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या मिलेगा चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पे पहले क्या मिलता है कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर मिलता है और ये कॉन्सेप्ट नंबर की खास बात ये है ये कंसिस्टेंट रहेगा मैं आपको जब आईएमपी लिस्ट दूंगा तो सीधे क्या दूंगा कॉन्सेप्ट नंबर की इतने कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा सीधे क्या दूंगा आपको कॉन्सेप्ट नंबर आप मुझसे डाउट भी पूछोगे तो किससे पूछोगे कॉन्सेप्ट में भी लिंक है सेम सीक्वेंस में क्या है नंबर जो होते हैं उसमें जो टाइम कोड है वहां पर भी क्या है कॉन्सेप्ट नंबर ये जय माता दी प्रोडक्ट है <laughs> <laughs> कुछ भी हुआ तो बोले जय माता दी नाउ लिसन गाइस हर कॉन्सेप्ट का चार्ट मैं आपको बताऊं हाउ दिज यू डेवलप्ड दिज यू डेवलप्ड डूरिंग द पीरियड मतलब पहले भी मैं क्लास में मारा था डरिंग द पीरियड ऑफ कोविड मेरे साथ में चार्ट अकाउंटेंट रहता था कॉल पे या जूम पे पूरा कॉन्सेप्ट हम फिर से रीड करते थे डिस्कस करते थे इंस्ट्रक्शंस होते थे पहले उसका ऑन पेपर चार्ट बनता था और उसके बाद में कोरल में उसको फीड करके उसको ब्यूटिफाई करते थे एक चार्ट बनाने के लिए टेक्स्ट कॉपी पेश करना बहुत आसान है अगर आपको नोट्स में टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है लेकिन और ये आपके शॉर्ट चार्ट्स नहीं है पूरे डिटेल चार्ट अगर आप सारे चार्ट्स जोड़ दो जोड़ ए फोर साइज में तो 200 पेज में पूरा ऑडिट कवर होता है कितने पेज में 200 पेज में अगर ये चार्ट ही आपने समझ लिया और आपने लिख दिया दिस इज मोर देन सफिशेंट मोर देन इनफ इसमें सिंप्लीफिकेशन है कीवर्ड्स है मेमोरी टेक्निक्स है और फिर नीचे आपके इंस्टीट्यूट की थेरी है और वहां पे सारे कीवर्ड्स आपके हाईलाइटेड है भाई साहब बोल्ड नहीं होते हम तो पूरा हाईलाइट करके देंगे अच्छा और कलर्स का भी मतलब है ऐसा नहीं जहां पे वहां पे कलर हमने भर दिया है और आपको हर कॉन्सेप्ट के बाजू में आपको मिलते हैं क्यू मतलब Question. अरे क्यू मतलब क्वेश्चन नंबर और एम सी क्यू मतलब एम सी क्यू नंबर आपको हर कॉन्सेप्ट पे कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसा एमसीक्यू आएगा लिंक्ड मतलब ऐसा नहीं कि पहले पूरा चैप्टर खत्म होगा अरे पहले पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम क्या देखेंगे क्वेश्चन और एमसीक्यू ऐसा करने की जरूरत नहीं है करेक्ट और फिर इसी लाइंस पे अपनी क्वेश्चन बैंक है जहां पे क्वेश्चन नंबर उसका सोर्स है परम क्वेश्चन बैंक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही हमने पूरे फाड़ू चार्ट बुक आपने सुना होगा लवी बोल रही थी अभी फाड़ू चार्ट बुक फाड़ू चार्ट बुक में सब जमा कर लिया 80 पेजेस कितने पेजेस 80 पेजेस तो लवी बोलती है और बुलाऊंगा तो बोले सर मैंने उसका इंटरव्यू लिया एट्टी बोले मैं खाना खाते हुए एक ही चीज़ करती थी बोले आधा घंटा रोज़ क्या फाड़ू चार्ट रिविज़न यहाँ पे रिवीजन चल रही है यहाँ पे चार्ट सामने है अर्नव बोलता है कि आखिरी दो दिन बोले मैं सिर्फ फाड़ू लेके घूम रहा था पूरे घर में मैं गया मेरे एग्जाम हॉल में मुंबई में तो वो भी साथ में क्या था फाड़ो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको समझ में आएगा तो 80 पेज में क्योंकि आप ऑडिट कितना भी अच्छा पढ़ लो कितना भी अच्छा पढ़ लो कुछ भी कर लो एक हफ्ते में पुढ़े पाठ माघे सफा जैसे आपको फिलहाल लेकिन मैं आपको बताऊं कभी भी आप भूलो तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो आपने जो मेहनत की है बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉल कैसे करना है जिस बच्चे को ये पता है कि रिकॉल कैसे करना है वो हमेशा बहुत बढ़िया करेगा बहुत ही अच्छा करेगा और वी स्मार्ट में बता रहा हूँ विशाल सर के गाइडेंस में जो हमारा रिविज़न इको सिस्टम में बोलता हूँ दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आपको डेली ऑडियो मिलेगा ठीक है जैसे बच्चों को मेरा प्रॉमिस रहता है अब मैं भी क्या मारवाड़ी आदमी हूँ और ठीक है अगर मैं क्लास में एक मिनट भी लेट हुआ तो हर बच्चे को सिल्क मिलेगी एक मिनट भी अगर मैं लेट हुआ क्लास में तो हर बच्चे को सिल्क मिलेगी शाम को 6 बजे के पहले अगर मेरा ऑडियो नहीं आया आपको टेलीग्राम ग्रुप का मिलूंगा तो आपको सबको सिल्क मिलेगी अगर मेरा ऑडियो नहीं आया अब तो बोलते सर समझ गया चॉकलेट खाना तो क्या करना पड़े <laughs> पिछली बैच बैचेस में बच्चों ने दरवाजे बंद किए थे <laughs> लेकिन फिर भी वो मेरे को रोक नहीं पाए बोले फिर आप हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे बोले करेक्ट गाइज दैट इज माय कमिटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तरफ से कमिटमेंट की कोई कमी नहीं होगी एंड ट्रूली स्पीकिंग मेरा मैं एक्सपीरियंस ऑडिट का मेरा बच्चों को रीडिंग बच्चों की रीडिंग हर प्रकार के बच्चे होते कुछ बच्चे बहुत डरते हैं उनको बोलते हैं बच्चा हो जाएगा तू लोड मत ले कुछ को नीचे उतारना पड़ता है तू ले ले थोड़ा सा <laughs> मैं तो सही बोला अभी तुमको कुछ भी समझना मैं क्या करूं उसके अंदर ओके आई बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट गाइस नाउ नोट्स के बारे में भी हुआ आपके ऑडिट में कितने चैप्टर्स है कुछ आइडिया वेरी गुड किसने बोला इलेवन ग्यारह चैप्टर प्लीज हैव फॉर यू। <laughs> भाई पहले दिन ये पता हो ना कुछ बच्चों को तो आखिरी दिन भी कितने चैप्टर फिर मेरे को चक्कर याद है भाई ठीक है ग्यारह चैप्टर है एंड लेट मी टेल यू में से नौ चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक बहुत बड़ा बदलाव है पिछले बार से कंपनी ऑडिट कोर्स से चला गया दैट यूज टू कंफर्ट ट्वेंटी मार्क्स कितने मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स बीस मार्क के लिए आता था और कसम से उसमें जो स्कोरिंग बनती थी उसमें जो मार्क्स आते लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है हौसला बुलंद होना चाहिए आपके ग्यारह में से नौ चैप्टर्स है जो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है दो चैप्टर्स है जो ऐसे के ऊपर बेस्ड नहीं है वो थर्टी मार्क्स आएंगे दो चैप्टर जो है और आपका जो बाकी जो है वो आपका सेवेंटी परसेंट इस बार एक बहुत अच्छी बात हुई है इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर का वेटेज दिया है हर चैप्टर का इंडिविजुअल पहले ऐसा नहीं होता पहले वो एक पार्ट सेक्शन मानते वेटेज है तो गाइज एसेज और एसेज ही अपना यूएसपी रहने वाला है सीए फाइनल में भी जाओगे सी फाइनल में उन्नीस चैप्टर ऑडिट के अभी मैंने हिंदी की और इंग्लिश की बैच खत्म की तो वहां पे 19 चैप्टर है उन्नीस में से वहां पे ग्यारह चैप्टर है वापस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपने खुश होना चाहिए पढ़ो एक बार और लगाओ दो बार आपका बेस यहां पे बनेगा और आप कहां पे भी फोड़ोगे फाइनल लेवल पे भी फोड़ोगे जो अभी पढ़कर आए बहुत बढ़िया भाई फाइनल लेवल पे सब काम आएगा नाउ गाइज मेरे बारे में मैंने बताया सब्जेक्ट के बारे में बताया पेपर के बारे में पता है आप लोगों को कितने मार्क्स के एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के एमसीक्यूज़? थर्टी तीस मार्क एमसीक्यू और तीस मार्क तो सब सब्जेक्ट में आ गया भी। लेकिन सबसे प्यारी बात चौदह मार्क के करेक्ट इन करेक्ट फोर्टीन मार्क्स के आपको आएंगे करेक्ट इन करेक्ट बचपन की यादें करेक्ट इन करेक्ट ट्रू फॉल्स यस लेकिन ट्रू फॉल्स लिखने के मार्क्स अरे ट्रू फॉल्स लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं आप जो वहां पे लॉजिक लिखते हैं। वो अर्न टेंशन में भाई मैं लॉजिक लिख के ना लिसन गाइस चौदह मार्क के आपके करेक्ट इनकरेक्ट विथ ऑप्शन विथ ऑप्शन फोर्टी फोर मार्क्स है आपके एमसी क्यू एन करेक्ट इनकरेक्ट फिर भी बच्चे टेंशन लोड लेते हैं कि ऑडिट में पास होंगे कि नहीं होंगे अगर आप सही स्ट्रैटेजी से जाओ तो मुझे लगता है आप बिल्कुल फोड़ सकते हो यू कैन डेफिनेटली डू करेक्ट नाउ गाइज सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको मार्क्स बताया तीस मार्क आपके चौदह मार्के करेक्ट इनकरेक्ट और बाकी आपको क्या लिखना है नाउ क्विकली वी हैवी एंड अर्नव क्योंकि ये लोग भी ये सेम जर्नी से गुजरे हैं ये सेम जर्नी से गुजरे हैं और आप लोगों ने कौन से चीज का ख्याल रखना चाहिए ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे आज और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ये सपना देखे कि अगली बार अरे अगली बार मैं रहूंगा अच्छा सुनो लवी का रिजल्ट आ गया लास्ट एग्जाम में उसने 81 स्कोर किया अर्नव यहां पे है क्योंकि वो हमसे इतनी बात करता था इतनी बात करता था कि हमको ऐसा लगा कि अब इसको अर्नव बैच बोलना चाहिए हमने मैं बताता हूं कभी कभी कुछ बच्चों से कभी कभी कुछ बच्चों से बैच का नाम पड़ जाता है एंड टेक फ्रॉम दिस आप जितनी हमसे बात करोगे ना हर बार कुछ ना कुछ ज्ञान बटेगा और कभी कभी वो एक सेंटेंस होता है कुछ बातें होती है कुछ बातें होती है कि वो आपको एक सही दिशा देंगे क्विकली आई विल आस्क आस्कू क्वेश्चन टू देम ना लवी आप मुझे बताओ आप डायरेक्ट एंट्री थे तो आपने कभी खुद को अंडर एस्टिमेट किया क्या नेवर नेवर आप डायरेक्ट एंट्री वाले खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कोई मत करना बिल्कुल नहीं मतलब जैसे आप फेस टू फेस लाइव ले रहे हो सी को सोच के करो कि आप डायरेक्ट एंट्री से आए हो फिर भी आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो डेट टू विद रैंक आल्सो आई एम इज डेट बट आई अप्रिशिएट यू ऑल आप कर सकते हो यू कैन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एंट्री से लाइक हाँ बहुत कम पीपल आते हैं डायरेक्ट एंट्री से ये होता है कि लाइक करेंगे कैसे करेंगे वन ग्रोप विद वन अटैम्प्ट देना ग्रोप्स इन सिंगल अटैम्प एंड आई होप कि आप रैंक से पास कर सकते हो इजीली ना खास ऑडिट पे आते हैं ठीक है मुझे बताओ कि तुमने कितने बार रिवाइज किया होगा

ऑडियो रिवीजन सुन लिए लाइफ इज सॉर्टेड लाइफ सॉर्टेड है मैं बता रहा हूँ हम हर क्लास में बोलते करने वाले इनिशियली ज्यादा होते हैं फिर संख्या बल <laughs> कम होते।, <laughs> होते जाता है बट देन कंटिन्यूस सब्जेक्ट के टच में ना आई थिंक दैट इज बिगेस्ट और आपका हाईएस्ट ऑडिट था मेरे ख्याल शी स्कोर्ड आंसू आ गए मेरे कि लोग अकाउंट्स में टॉप करते कॉस्टिंग में टॉप करते इसने किस में टॉप किया ऑडिट में ऐसे ही मुझे जवान चाहिए ऐसे ही सोल्जर्स मुझे चाहिए क्या आप स्कोर करेंगे प्लस यस यस नो वेरी गुड नाउ एंड शी डिड इट हर आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप का भी उसने लीव लिया था लेकिन उसका ही प्रेशर था आप जो इतना प्रेशर प्रेशर बोलते हो असली प्रेशर तो डायरेक्ट एंट्री वाले रहते हैं जो क्ला, जो आर्टिकलशिप के साथ पढ़ते हैं

ये उट ही मुझे लगता है इसलिए वो कभी डिप्रेशन में नहीं गया yes. क्योंकि उसको जैसा लगता था वो उसने कभी हेजिटेट नहीं किया हमसे पूरे बैच में शुभम सर जय सर मेरे से सबसे ज्यादा किसी ने बात की होगी तो वो अर्नब ने वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू क्या तुम हमारे साथ जुड़ते हो वो तुम्हारे ऊपर है अब जैसे अब घोड़े को वी कैन टेक इट टू द रिवर बैंक लेकिन पानी तो उसको पीना है मैं तेरे को बोल सकता बेटा पूछ ले बेटा जैसे भी बोल के गए बेटा पूछ ले बेटा नहीं मेरे को नहीं पूछना गाइस गाइज मतलब व्हाट ही यूज टू थिंक और कैसे वो जुड़ा था सो डेफिनेटली इंटर का टेंशन ही अलग होता है भाई फाउंडेशन में चार सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं हौले हौले पढ़ के आए हैं हो गए पास बट इंटर के फिर 11-12 घंटे के क्लासेस रिविजन को दो जैसे सर बोलते हैं रिव्यू करने के दो और घंटे पीएल में फिर और रिविजन टाइम एग्जाम्स बैठने का इट्स इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल बट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कोप विद द स्ट्रेस इज टू टॉक टू समन हैज़ ऑलरेडी डेल्ट विद द स्ट्रेस ये लोग बन गए हैं सी है। हम जो कर रहे हैं कर चुके हैं टॉकिंग विद दैम टेकिंग देयर एडवाइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टॉकिंग टू दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो ऐसा नहीं कि तुम लोग स्क्रीन के पीछे बैठे हो तो सर आपके लिए है ही नहीं है बस वीडियो चल रहा है इट्स नॉट लाइक दैट आप लोग सामने बैठे हो 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 टेक फुल हेल्प ऑफ सर 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 जय रवि एनी 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 सब्जेक्ट गेटिंग डाउट्स इन लोगोंट टू आस्क लोग ऐसे चुप बैठ जाते जैसे, नहीं, नहीं, मैं को नहीं पूछना मैं। no मैं बता बता एक है, वो, में सब पास आज जी में ही इज़ इन बैंगलोर आई डी टी डिविजन में एंड ही इज एट मैनेजर सीनियर मैनेजर लेवल वह जब अपना जॉब भी चेंज करता है ना उसको पूरा नॉलेज होगा फिर भी वो एक बार कॉल करेगा सर अभी इधर स्विच मार रहा हूँ ये स्टार्टअप में ये ऑफर है आपको क्या लगता है मैं बोल रहा हूँ यार तू तो उसमें आगे निकल गया नहीं सर लेकिन आप एक बोलोगे ना तो मैं कुछ सोचूंगा उसके बारे में नाउ वो इतना जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है हाँ यार उस बहाने मेरे को मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो कॉल किया करता है क्योंकि मैं टच में रहता हूँ कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आप जितना हमसे जुड़ोगे जितना हमसे बातचीत करोगे नॉट जस्ट दिस सब्जेक्ट्स दिस स्टूडेंट लाइफ दिस जर्नी दिस फ्यूचर वी ऑल आर टुगेदर मैं बता रहा हूँ सौ सवा सौ घंटे साथ में स्पेंड करना छोटी बात नहीं।, नहीं है और ये जो समय है ये आपने बहुत अच्छे से टू वे कम्युनिकेशन के साथ बिताना चाहिए और एक चीज हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए किसी को ऐसा लगता होगा कि बहुत दुखी रहना चाहिए खुद पे बहुत स्ट्रेस देना चाहिए तो इससे सीए बनते नहीं, नहीं है खुल के जीना जरूरी है अच्छे से टाइम को यूज करना जरूरी है वन एक एक एडवाइस ऑडिट सब्जेक्ट में जो मुझे यू थिंक दैट यू डिड दिस एंड इट वर्क वंडर्स सर जो बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडीज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट उनको लगता है स्मार्ट मतलब जल्दी करना है स्मार्ट मतलब ऐसे करना है स्मार्ट क्या होता है uh, जुगाड़ करना है जुगाड़ इट्स नॉट लाइक दैट ओके लाइक सोइसाइड दैट डायरी इज अ वेरी गुड आइडिया यू ऑल शुड फॉलो दैट कीप इन माइंड तुम लोग को किस किस में डिफिकल्टीज हो रहा है एंड दीज चार्टीज चार्ट लगता नहीं है जब सर बोलते ना कि हाँ दे आर इनफ हाँ तो फैकल्टी है वो बोल रहे हैं आई एम टॉकिंग एज अ स्टूडेंट दीज आर मोर देन इनफ सच्ची में ना यही याद आते हैं एग्जाम में सर के जो मेमोरी टेक्निक्स है जो भी इमेज रिकग्निशन है जो भी वो शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं यही याद आते हैं एग्जाम में क्लासेस कर लोगे बट फिर <laughs> रिविजन करते समय जब टेंशन आएगी कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या था ये इमेज का वो मतलब क्या था कीपिंग इन टच विद दैट रिविजन वीडियोज भी देते हैं सर ऑडियो रिविजन्स भी देते हैं सर दैट इज स्मार्टनेस नॉट जस्ट स्पीड इज स्मार्टनेस ऐसा नहीं है द वे यू स्टडी नीड्स टू बी स्मार्ट वन थिंग दैट आई डिड दैट आई फॉलोड रिलीजियसली रवि सर का इज़ हिज फाडू रिविजन्स सच्ची में ना वो चार्ट बुक से पढ़ने का ना इट अनदर फील कि भाई इतना जल्दी हो जाता है इतने अच्छे से हो जाता है एंड मैंने फाड़ू चार्ट बुक भर दी आई रोट माई ओन वर्ड्स क्वेश्चन नंबर में तकलीफ होती थी मीनिंग ऑफ स्मार्टनेस तेज करो ये करो जुगाड़ोट थ्री आई रिमेंबर अरे समझे नहीं क्या अरे यार नहीं मतलब नहीं समझे

बिकॉज़ मैंने क्लास में सर के साथ इतने अच्छे से कर दिया कि वो स्पीड में भी समझ आ जाता था आर डूइंग वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आवर्स इन क्लास विद रवि सर। जैसे सर बोलते हैं ना डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टाइम भाई ये टाइम तुम लोग क्लास में जितने मस्ती के साथ और सिंसियरली पढ़ोगे ना वो रिविजन में फास्ट तभी कर पाओगे दैट इज स्मार्ट स्टडीज नॉट जुगाड़ एक दिन आप भी आओगे और ऐसा बोलोगे वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू से ये करो ओके सो ये लाइक स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी जो रिविजन कैसे करना है आपको बेसिकली क्लासेज यहाँ पे करके चले गए घर पे जाके रिविजन करना क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील लाइक यार ये पढ़ लिया रिविजन करने का डर ये होता है याद आएगा कि नहीं आएगा जो मैंने लिखा है उसको मैं मतलब घर जाके देखूंगा तो मतलब यार फिर मेरे को ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ तो आधे बच्चे उसी डर से रिविजन को ड्रॉप कर देते हैं उसे बोलते हैं प्रोकेस्टिनेशन एंड डेट बिकम्स मोर जब एग्जाम्स पास आते जाते हैं आज पढ़ाए है, उसको जाके रात को पढ़ लोगे तो बहुत सही रहेगा क्योंकि जब चीज़ें पाइलअप होती हैं मकडअप होती हैं थिंग्स बिकम सो हैक्टेक यहाँ होती है पैनिकनेस सो यहाँ पे आप और ऑरिजन सब्जेक्ट जो बिल्कुल थ्योरी है न्यू चीज़ पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ रहे हो एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है इतने क्लाजेज़ हैं डेली रिविज़न करोगे ना तो आई एम टेलिंग यू यू कैन स्कोर वेरी वेल यू कैन रिटेन एवरी थिंग इन थ्योरी और जो स्मार्ट वर्क अब रिविजन में करना क्या आपको जब तो जाते हो लास्ट में संडे बोला इजी चीज़ों को छोड़ दो आपको ना क्लास लेते हो पता चल जाता है कि वॉट थिंग्स आर इजी एंड वॉट थिंग्स आर डिफिकल्ट सो एट होम यू हैव टू लाइक हाईलाइट दैट वॉट एस आर थिंग सो एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप उसको ईजीली घर जाके उसको पढ़ो हाँ ये ऐसे लगाता है ये ऐसे 500 हंड्रेड लगाता है अभी पढ़ोगे आप जाके इसका ये था उसका ये था तो जब क्वेश्चन बैंक खोलोगे ना लास्ट में वो बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आधा तो पढ़ लिया अब तो सिर्फ उसको मतलब वो देना है एप्लीकेशन करना है उसको तो सिर्फ तो स्मार्ट वर्क ऐसे करना है और ये जो तीन घंटे की क्लास है ना आराम से अगर यहाँ पढ़ लिया ना पूरा तो घर पे आपको मैक्स टू मैक्स फोर्टी फाइव वन आवर अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो वो हो जाएगा इजीली ये तो हो गया क्लास के साथ वाला रिवीजन इसको करना ही करना है अगर इसको छोड़ दिया तो आप जब नेक्स्ट डे क्लास में आ रहे हो ना यू लाइक इट डजन मी आप आ भी रहे हो नहीं भी आ रहे इट डजेंट मैटर एट ऑल तो इसलिए डे का डे साथ करोगे वो इजी रहेगा वो अच्छा रहेगा आपके लिए ओके नेक्स्ट अब क्लासेस फिनिश हो गई सारी अब जब एग्जाम्स खुद सेल्फ स्टडी आती है क्लासेस आर नॉट एट ऑल इनफ फॉर एग्ज़ाम्स फॉर क्लियरिंग एग्जाम्स फॉर अटेम्प्टिंग लाइक बोथ द ग्रुप्स इन वन गो रिविजन नहीं किया सेल्फ स्टडी नहीं की ना तो लाइक like, आई मतलब ये लाइक हार्ट रोते आप नहीं क्लियर कर पाओगे क्योंकि अगर साथ में रिविजन कर लियो बाद में सेल्फ स्टडी वो कॉर्डिनेशन बैठना चाहिए आपका साथ में वॉट टू डू इन सेल्फ स्टडी पिकली आप चैप्टर्स आप सारा का सारा अगर मैं वो सब कुछ लिंक लिंकता उसी रिविजन से अगर लास्ट डे में जो करते आ रहे हो आपको तब पता चल जाता है कि विच चैप्टर्स आर हार्ड टू डू एंड विथ चैप्टर्स आर लाइक ईजी टू डू जो चैप्टर हार्ड है बोलोगे उसको पहले करो जो सर ने बोला क्योंकि अगर इजी इजी पहले कर लिए तो आप उससे बोलते हैं हाँ आधी ऑडिट तो हो ही गई अब क्या करना है और हार्ड वाला जो ज़्यादा नंबर का लेके आता है ना बैंक ऑडिट तो पढ़ोगे अभी आप ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो बड़े होते हैं एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द मार्क्स अगर उसको थोड़ा टाइम पहले देते आओगे तो बाद में बड़ा लगेगा ही नहीं वॉट स्मॉल वॉट ब्रे डजेंट मैटर एट ऑल सब कुछ लगेगा हाँ इक्वल है और एग्जाम में करके ही आना है और ऐसे आई आपको

कभी कभी तुम लोग जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा क्या पूछ रहे हैं इतना मस्त पूरा पैराग्राफ ठोक देते हैं लास्ट में ऐसे छोटे लाइन में पूछेंगे वॉट एग्जैक्टली exactly? ये ऐसे की एप्लीकेटी बताओ ये करेक्ट है बताओ लास्ट में पूछते हैं बट ऑज ऑर्डर टाइम्स द कॉन्सेप्ट डज इन क्लिक यार हाँ क्वेश्चन तो है बट इसका आंसर क्या है एंड लाइक सर सैड कॉन्सेप्ट नंबर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर है कॉन्सेप्ट एवरीथिंग ज प्रॉपर तो वैन यू गो टू द नोट एंड यू सी अच्छा इट इज दिस चार्ट ओके वो लिंक नहीं बनती है पहले बार पहले बार में नहीं बनेगी ऑडिट इज दैट काइंड ऑफ थ्योरी जहां वो लोग घुमा के ही पूछने वाले हैं वो लोग दिस इज लाइक सर सै दिस इज नॉट टेंथ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की पूछ लेंगे भाई फैक्टर्स बताओ हाँ एडवांटेजेस बताओ ऐसा नहीं होता दे विल गिव यू अ कंफ्यूजिंग केस स्टडी दे विल गिव यू सम ट्विस्ट इन द क्वेश्चन तो वो फर्स्ट टाइम में तुम लोग का लिंक नहीं बनने वाला है सो डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ्स देयर सर है बार-बार टेस्ट लेंगे रिवाइज करेंगे उसी से वो लिंक बनी रहेगी एंड लाइक इवन लवली दीदी इज सेइंग आई विल कॉल यू दीदी बिकॉज़ यू आर माय सीनियर वो डेली लिंक बनना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ वो टूट गई ना तो फिर इट बिकम्स डिसएडवांटेजेस फिर बाद में याद नहीं आता है फिर एग्जाम के पहले स्ट्रेस होता है इट्स नॉट वर्थ इट अभी Keeping ये हां बेचारे बच्चे से नहीं, अभी <laughs> नहीं नहीं अभी तो exactly, exactly. सच्ची में। में मतलब इससे ज़्यादा केयर कोई। सब कुछ हाथ लेके आपको दे देंगे सब कुछ हाथ में आपको ये देंगे, चार्ट्स वगैरह सब कुछ आधा काम तो यही हो जाना है आपका बस घर पे जाके थोड़ा अपना और दे दो ट्वेंटी परसेंट दे दो आधा आधा भी कम बोल दिया है आधा कम बोल दिया है 80 काम करके देंगे अपने को बस करना है चलो, अब 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 हम लोग, yeah, you guys can go downstairs and, yeah. मतलब ये अभी वापस पढ़ लोगे यार अब तो, अच्छा अच्छा पढ़ो। Now, guys, ये पूरा हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा सब देखा अब चले प्रैक्टिकल लाइफ में यस नो नाउ मैं एक प्रैक्टिकल आपको केस स्टडी बताऊंगा जो अभी कुछ समय पहले हुई वाई ऑलरेडी इज इंपॉर्टेंट वी लिव इन दिस वर्ल्ड जहां पे मैन्युपुलेश मैन्युपुलेशन झूठी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को घुमाना फिराना और लोगों को बेवकूफ बनाना और करोड़ों करोड़ों रुपए गायब कर देना दिस हैज बिकम वेरी कॉमन बाइजूस का वैल्यूएशन 22 बिलियन था 22 बिलियन बिकॉज ऑफ और आज उसका वैल्यूएशन अराउंड टू बिलियन है एक बिलियन कितना होता है पता आपको एट थाउजेंड करोड़ आठ हजार करोड़ आज वैल्यूएशन कितने पे आ गया है टेन परसेंट पे टेन परसेंट पे वैल्यूएशन आ गया है और यह गेम हर जगह चल रहा है और जैसे हम आगे जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिट इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर बिकॉज द काइंड ऑफ फेक थिंग्स फेक चीजें मैन्युपुलेशन इतने बढ़ रहे हैं लोग इतने डुप्लीकेट रिकॉर्ड सब कुछ बना रहे हैं तो आपका काम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए ओके okay. तो लक इन कॉफी लक इन कॉफी का केस है सबको स्टारबक्स पता है स्टारबक्स सबको पता है ठीक है अच्छा वहां जाके कुछ खाते पीते हो कि बस स्टारबक्स अच्छा लगता है अगर वहां जाके तुम खाते पीते हो तो अच्छा है और अगर तुम वहां जाके समय आसपास बिताते हो तो यू आर वेरी स्मार्ट अगर तुम स्टारबक्स को देखते हो और सामने टपरी पे चाय पीते हो बराबर <laughs> भाई देखो लोग इतना तैयार होके आते हैं उनको वैल्यू करना पड़ता है बराबर नहीं समझ रहा नाउ लिसन गाइज यूर वर्स बात बहुत ज्यादा स्मार्ट है अब चाइना में लकीन कॉफी सो so, जेनी जेनी यूज टू वर्क इन जैसे इंडिया में ओला है तो वहां पे एक कैब सर्विस थी एंड शी यूज टू वर्क हार्ड बहुत लेट नाइट पर, काम चलता था ठीक है अबे क्या होवे तुम अबे क्या हो मैं मतलब पढ़ाऊँगी नहीं पढ़ाऊ <laughs> तो उसमें नाउ शी यूज टू लव कॉफी शी यूज टू लव कॉफी बट चाइना में वहां पे कॉफी आउटलेट्स नहीं थे तो शी मतलब शी ऑलरेडी वर्किंग इन स्टार्टअप तो हमेशा उसके मन में चलता था कुछ नया करना है एंड शी इज एड वाई नॉट चाइना उसने देखा कि यूएस के अंदर हर बंदा ऑन एवरेज छः कप कॉफी पी रहा है सिक्स कप्स ऑफ कॉफी और बोले यही चीज़ चाइना में एक से भी नीचे है तो बहुत स्कोप है ग्रो करने का एंड देन शी मेट चार्ल्स दिस इज अ मैजिशियन बिजनेस मॉडल्स खड़े करना कंपनीज खड़ी करना और उसको बेचना बिलियंस ऑफ वैल्यू बिल बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे ये इसकी स्ट्रेंथ थी तो आइडिया किसके पास थी जेनी और इसको स्केलअप कौन करना था चार्ल्स और इनका एक छोटा सा मोहरा था जी ठीक है एंड ही सीईओ और शेयर होल्डिंग बहुत कम थी सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग थी ये दो लोगों की थी नाउ 2018 ये अपना पहला स्टोर ओपन करते हैं चाइना में गाइस दो साल में साढ़े चार हजार स्टोर दो साल में थोड़ा हिसाब लगाओ हर महीने कितना होगा लगाओ थोड़ा कैलकुलेशन करो थोड़ा एक्टिव रहो वन एटी सेवन चलो वन नाइनटी पकड़ो वन एटी पकड़ो वन एटी मतलब पर डे कितना हुआ सिक्स स्टोर्स कैलकुलेशन किए भाई आप लोगों ने पर डे देर ओपनिंग सिक्स स्टोर्स फिनोमिनल फिनल ग्रोथ हर दिन नए स्टोर ओपन करना 40 मिलियन कस्टमर्स उन्होंने सर्व किए और स्टारबक्स को पीछे छोड़ दिया स्टारबक्स का वैल्यूएशन दैट टाइम वाज़ 50 बिलियन डॉलर कितना 50 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन गाइस एंड दे सेड कि हम एक दिन स्टारबक्स को उखाड़ के फेंकेंगे हम क्योंकि बोले किसी भी मार्केट में एक बंदा हो ऐसा कभी होता नहीं है हमारे पास बहुत स्कोप है हम स्टारबक्स को पीछे छोड़ेंगे एंड नाउ गाइस 2018 में ये लोग शुरू करते हैं दे विद इन एटीन मंथ्स दे कम विद आईपीओ पी कहां पे कहा दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट और सबसे स्ट्रिंजेंट रूल्स वाला दे रेस सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स मिलियन डॉलर्स करेक्ट फिर बॉन्ड्स मतलब शेयर में छह सौ मिलियन उठाए बॉन्ड में वन थाउजेंड मिलियन कौन इन्वेस्ट कर रहा है ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे पता होगा आपको दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल फंड सबसे बड़ा फंड बड़ी से बड़े कंपनी के शेयर्स इनके पास है है और ये पूरे ऐसा बोला जाता कंट्रोल द वर्ल्ड कभी सामने आते नहीं है दे कंट्रोल भाई अगर तुम सोचो ब्लैक रॉक ने कहीं पे पैसा डाला है और तुम इन्वेस्टर हो तुम क्या बोलोगे पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए ब्लैक रॉक इज इन्वेस्टिंग ब्लैक रॉक ठीक है GIC, सिंगापुर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कंपनी फिर आपका चाइना का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब ने लुक एट दिस जुलाई अठारह में वन मिलियन डॉलर का वैल्यूएशन था मे उन्नीस में कितना हुआ थ्री पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर जैन ट्वेंटी में फाइव बिलियन डॉलर्स मैं बता रहा हूं आपको आसपास ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेगी आपको रैपिड ग्रोथ प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स भयंकर पैसा कमाया लोग और जबरदस्त वैल्युएशंस मार्केट प्राइस पर शेयर सत्रह डॉलर से पचास डॉलर मैंने फिफ्टी बिलियन बोला वन फिफ्टी बिलियन सॉरी स्टारबक्स फिफ्टी भी नहीं कितना वन फिफ्टी बिलियन डॉलर लोगों ने बोला अभी तो शुरुआत है ये आज 5 बिलियन में इसकी ताकत है 50 बिलियन तक जाने की जितना स्टारबक है उसका वन थर्ड होने की ताकत है इसकी पीपल पंपड मनी लाइक एनीथिंग एंड दिस वाज ग्रोइंग एमबीए स्कूल्स इसीलिए चमक धमक ये जो एमबीए स्कूल्स है उन्होंने कहानियां देना शुरू किया किसका लकिन कॉफी भाई बिजनेस करो तो कैसा करो लकिन कॉफी ग्रोथ हो तो कैसी हो लकिन कॉफी एवरी वन वॉज हैप्पी एवरी वन वॉज हैप्पी फिर आया मड़ी वॉटर्स बॉस एक नंबर धंधा है दिस इज नॉलेज शेयर मार्केट में कमाने के दो रास्ते दो रास्ते कमाने कौन बता पाएगा पहला होता है सस्ते में खरीद महंगे में बेच दस में खरीद सौ में बेच दूसरा 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 क्या ऑप्शंस नहीं आज का आज ही बेच सही बोल रहे थोड़ा सा और दस में खरीद सौ में बेच और एक कमाने का तरीका? सौ में बेच। और दस में खरीद सौ में बेचेगा तो हाथ में कितने रुपए आएंगे सौ और अगर मार्केट प्राइस गिरा कितने पे? दस रुपए दे, दे दे अब सेट ऑफ कर ले जो शेयर्स का था हाथ में कितने बचे नब्बे आम जनता कमाती है सस्ते में खरीद महंगे में बेच जो लेजेंड्स होते हैं वो महंगे में बेचते हैं और सस्ते में खरीदते हैं जैसे आपने नाम सुना है हिडनबर्ग अरे हिंडनबर्ग सुना है कि नहीं बॉस कॉमर्स और तुम चार्ट अकाउंट बन रहे हो फाइनेंस वर्ल्ड के तुम प्रोफेशनल्स दी स्टोरीज शुड एक्साइट यू ये स्टोरीज एक्साइट करनी चाहिए मैं बोलता हूँ क्यों आपको सोचना है कि आपको एक अकाउंटिंग करने वाला सी एफ एम में जाना है क्यों आप ये नहीं सोचते हो मैं इंडिया का हिंडनबर्ग बनूंगा मैं एक्सपोज करूंगा यूएस की कंपनीज को मैं बैठ के एक्सपोज करूंगा यूके की कंपनीज को वो हमारी बैंड बजा रहे हैं हम उनकी बैंड बजाएंगे यू कैन डू दिस विथ नॉलेज नाउ इन्होंने इन्होंने देखा इन्होंने बोला दिस इज अनबिलीवेबल ग्रोथ बोले ये हमारे इमेजिनेशन के बाहर है इन लोगों ने चाइना में चाइना में अपनी टीम को बिठाया इन्होंने अपने बंदों को भेजा कि भाई एक काम करो इन्होंने 400 स्टोर सिलेक्ट किए और बंदों को बोला कि वहां जाके सिर्फ तुमको काउंट करना है कितने लोग आए थे आज और कॉफी लेके गए 400 स्टोर के डेटा के बेसिस में स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि साढ़े चार हजार स्टोर में कितने लोग आते होंगे और कितना पैसा खर्च अरे कितना पैसा खर्च करते होंगे एंड दे गॉट शॉकिंग रिजल्ट्स बोले जो इतना रेवेन्यू बता रहे हैं सेवेंटी परसेंट इज फेक सेवेंटी परसेंट इज फेक रेवेन्यू एट्टी परसेंट इज फेक रेवेन्यू और इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट लाई एंड द शेयर collapsed. और बहुत बड़ी गलती हो गई बिग फोर से बिग फोर कोई दूध के धुले हुए नहीं है ईवाई थे इनके ऑडिटर अंस एंड ईवाई ऑडिटर थे इनके और क्रैश होने के एक दिन पहले तक बोल रहे थे ये कंपनी में और इन्वेस्ट करो इन्वेस्टर्स ने पूछा तुम तो यार ऑडिटर हो तुम दिन रात देखते हो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज नजर हटी ईवाई जैसे बिग फोर को इन्होंने पानी पिला दिया और बेवकूफ बना दिया एंड दे सफर्ड heavily, और इनका एकदम सिंपल फंडा था रेवेन्यू लाने का राउंड ट्रिपिंग क्या बोला राउंड ट्रिपिंग ये बहुत पुराना फंडा है सेल लाना मजाक है आपको पता है मजाक सेल अगर लाना है तो सेल बहुत फटाफट आ जाता है अभी वेटनाम की कंपनी है फिर यूएस में लिस्ट हुई है ईवी, ईवी बना रही है और उसका वैल्यूएशन जनरल मोटर्स दो तीन को और ऐड कर दो उससे भी दो गुना और पता चला छानबीन में कि 80 परसेंट माल अपनी रिलेटेड पार्टी को बेच रही है किसको बेच रही है रिलेटेड पार्टी है रिलेटेड पार्टी अपने से जुड़े वो कौन हुए रिलेटेड पार्टी खुद का काम ईवी बनाने का और उनके सब्सिडी का काम टैक्सी चलाने का ओला, 80% माल किसको बेच रहे अपने ही सब्सिडी को और दुनिया को यह बता रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सेल किया हमारे अंदर इन्वेस्ट करो इन्होंने भी यही किया इन्वेस्टर से जो पैसा उठाया पहले वो पैसे को कंपनी से बाहर निकाला क्या बोलकर खर्चा बोलकर बिलियंस ऑफ डॉलर उठाए नो सपोज़ मैं बात करता हूं हंड्रेड मिलियन की हंड्रेड मिलियन का पेमेंट किया कि भाई कॉफी खरीदने के लिए कप्स खरीदने के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए अपनी डमी कंपनी खड़ी कर दी सौ मिलियन डॉलर पहले कंपनी से बाहर निकाला फिर यही सौ मिलियन डॉलर अलग अलग रूट से वापस रेवेन्यू बनाकर कंपनी में लाया कॉरपोरेट को कॉफी बेच रहे बड़े बड़े को कॉफी बेच रहे ऐसा बताया सौ मिलियन को पहले बाहर निकाला फिर सौ मिलियन को कंपनी में वापस लाया और अगर तुम इसको दस बार रोटेट करोगे तो हंड्रेड मिलियन इंटू टेन कितना वन थाउजेंड मिलियन बड़े से बड़ा स्टार्टअप आज ये कर रहा है बड़े से बड़ा स्टार्टअप अपने पैसे को घुमाता है और वापस कंपनी में लाता है सेल कैसे करते हैं आपको बताया है? सौ करोड़ का लोन दो अपनी कंपनी को क्या दो लोन और वो पैसा रोटेट होकर वापस आता है वापस सौ करोड़ के सेल्स में सौ करोड़ के सेल्स में और गोल गोल घुमाते जा रहे हैं सौ करोड़ के सेल से जनरेट कितना करते वन थाउजेंड करोड़ इन्होंने यही किया ठीक है राउंड ट्रिपिंग इसके बारे में और बताऊंगा मैं आपको बाद में शेल कंपनी का नाम सुना आपने सिर्फ जो नाम के लिए ऑन पेपर है कोई रियल ऑपरेशन नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं शेल कंपनी ठीक है पहली बार फ्रॉड किया वन मिलियन डॉलर का सेल टेन मिलियन डॉलर का डे सेल उसके बाद कितना थ्री हंड्रेड मिलियन एंड देन इट वाज अ बिग डिजास्टर गाइस, आज के डेट में नॉलेज और आपका कितना जबरदस्त नॉलेज और आप कैसे फ्रॉड पकड़ते हो बहुत ही जरूरी है देखिए जिस दिन आप फ्रॉड पकड़ोगे देखो नॉलेज स्मार्टनेस बहुत जरूरी है फ्रॉड पकड़ने के लिए उस दिन दो चीज़ें होगी आपसे पूछना चाहता हूं मैं पहला ये होगा कि आप उनको एक्सपोज करोगे पूरे दुनिया के सामने लाओगे ठीक है और वो आपको निकाल देंगे और आपको ऑडिट फीस मिलती है कभी ऑडिट फीस डूब नहीं सकती आपको पता है कभी डूब नहीं सकती कोई माइकल लाल आपकी ऑडिट फीस डूबा नहीं सकता क्यों किसी को पता है एनी वन किसी को पता है कोई डुबा नहीं सकता फाइनल में पड़ता ही है, कोई नहीं डुबा सकता इंडिया में कोई नहीं डुबा सकता क्योंकि सीए एक्ट में लिखा है जब तक पुराने ऑर्डर की फीस पे नहीं होती कोई दूसरा सीए तुम्हारा काम नहीं ले सकता जब तक पुराने ऑर्डर की फीस पे नहीं होती कोई भी तुम्हारा काम लेने वाला नहीं है कोई भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स को हाथ लगाने वाला नहीं है आपको फीस मिलेगी दूसरा रास्ता यह रहेगा कि कंपनी वालों से मिलोगे और बोले सौ में से दस तुम रख लो तो मैं पूछना चाहता हूं आज आप पहले रास्ते पे चलोगे कि दूसरे क्या आप पच्चीस लाख की ऑडिट फीस में खुश रहोगे कि आप बोलोगे दस करोड़ चलेंगे पच्चीस लाख की दस करोड़ कितने लोग हैं पच्चीस लाख वाले तो थो देखे थो देखे थो देखे। कितने लोग दस करोड़ वाले हैं मैडम बोल रहे न्यूज पेपर फोटो फोटो तो ऐसे भी आएगा बट यू लेटमी सेम सिचुएशन में स्टूडेंट था एंड सल्यूट टू हिम नया बंदा था पहला साल था सामने वाले कंपनी को लगा प्रेशर डालेंगे टूट जाएगा हिड इन बच बोले मैं तो रिपोर्ट करूंगा और कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड था पूरे बोर्ड को रिज़ाइन करना पड़ा तेईस साल के बंदे ने एक रिपोर्ट से पूरे बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया और वो बैंक में जो फ्रॉड होते थे सालों से वो सारे फ्रॉड्स बंद हो गए एंड द न्यू बोर्ड केम माना मैं जानता हूँ दस करोड़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पच्चीस लाख लेकिन उसकी एक रिपोर्ट से उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदल दिया अभी बोलना बहुत आसान है कि कौन क्या करेगा जिस दिन तुम्हारे सामने वो सिचुएशन रहेगी उस दिन समझेगा तुम इस पार की उस पार माय प्रोफेसर यूज़ टू से जितने लोग खुद को बहुत अच्छा समझते हैं ना ज्यादा उछलना नहीं चाहिए दे आर गुड ओनली बिकॉज दे नेवर गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू बैड दे आर गुड ओनली बिकॉज दे डिट गेट द अपॉर्चुनिटी जिस दिन बोले अपॉर्चुनिटी मिलती है और सामने वाला बंदा वो अपॉर्चुनिटी में उलझता नहीं है उस दिन मैं बोलूंगा कि यू आर गुड तो आपका ये लिटमस टेस्ट होगा आपका ये लिटमस टेस्ट होगा और प्रैक्टिस में जाओगे प्रोफेशन में जाओगे जॉब में जाओगे और यू नेवर नो और मैं किसी को जज नहीं करना था मेरे खुद के दोस्त हैं गंदे से गंदा काम ठीक है झूठ से झूठ काम बड़े से बड़े ऑफिसर को सेट करना है वो करता है अब ठीक है और एक बंदा है जो एक रुपया भी खाता नहीं है और हमारे ग्रुप में और दोनों खुश हैं बोले तू तो तेरे से खुश मैं मेरे से खुश है करेक्ट ओके गाइस, चलिए नाउ वी नो अब हम पहले चलते सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज हम लोग चैप्टर से डेफिनेटली शुरुआत नहीं करेंगे कुछ बेसिक्स हम लोग देखेंगे वी आर स्टार्टिंग विद डेफिनेशन ऑफ ऑडिट चलो कौन मुझे डिफाइन करके yeah. देगा ऑडिट आपको क्या लगता है डू डू मीन मीन तू रहने दे अभी ऑडिट हु इज गोइंग डिफाइन कम ऑन यस चलिए बताइए कौन बताएगा वॉट डू मीन बाय ऑडिट गाइस चलिए बताइए फटाफट यस मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा है ये देखना फाइनेंशियल सेट में हेरा फिरी मैडम के अंदर बहुत भरा हुआ है कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ यस वॉट इज फाइना सर बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ एविडेंस यू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके okay, और यस yes. एक्सपेंसेस को चेक करना खर्चों में कोई गड़बड़ तो नहीं है रेवेन्यू को नहीं करना सेल्स को चेक करना भूल गए थे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना बोले सब आया था उसके अंदर अरे बेटा आप लोग देखे देखे सब चेक करना बोले डेटा yeah. चेक करना भाई ऐसा बोलोगे तो धीरे धीरे लोग शुरू करेंगे डेटर चेक करना क्रेडिटर चेक करना इनकम एक्सपेंस अदर इनकम ईपीएस डेटर और सेल्स चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट अरे भाई तेरा नाम हलवाई है ना बहुत गंदा मारा जैसर सर ने हाँ बोले ओनर के हिसाब से सब बढ़िया है आउटसाइडर के हिसाब से कैसा है वो हमने देखना चाहिए वेरी गुड और ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ऑपरेशन हो रहा कि नहीं हो रहा यस व्हाट एल्स गैस अच्छा फिर आप लोगों के हिसाब से मैंने तो कंपनी uh, के अकाउंटेंट को बोलना चाहिए तू ही ऑडिट कर दे हो सकता है कैसा अच्छा बोले जो अंदर का आदमी कर दे वो इंटरनल बाहर का करे तो एक्सटर्नल तो लाइक घर वाली एंड बाहर वाली अब देखो जोश बोले ऐसी बातें करो तो, तुम उसमें हमको इंटरेस्ट है ये बातें समझ आती है ये बातें फील होती है बोले याद भी रहती है ओके गाइस ध्यान दीजिए ना लिसन गाइस यही पे बहुत बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने दो तरह के ऑडिट्स होते हैं इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट क्या बता क्या लगता है आपको क्या फर्क है आप लोग पढ़ गए आपने सेक्शन 138 is for. Yes. Yes. अरे वन थर्टी एट इज फॉर इंटरनल ऑडिट कोई बात नहीं बस इतना भी याद आया तो अरे याद नहीं भी चलता हाँ ऐसा था ऐसा था इतना भी आया तो हम जंग जीत गए मतलब हमको रिकॉल हो गया 138 इज फॉर इंटरनल ऑडिट एंड 139 टू 148 इज फॉर एक्सटर्नल ऑडिट 147 148 इज फॉर अच्छा कोई ये पूछेगा सर किसका 138 हे hey, भगवान हे hey, भगवान 138 कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट ओके नाउ लिसन गाइस सो दे आर टू ऑडिट एक्सटर्नल एंड इंटरनल आप लोग एक स्क्रिबल बुक बनाएंगे हमारा एक सिंपल चीज आज हम ये हमने सिंपल चीज है जितना ज्यादा हम लिखेंगे हम कंटिन्यूसली लिखे जाएंगे क्योंकि ऐसा है मैं बोलता जाऊं कितना भी बोलूँ कितना भी यहाँ पे जंपिंग जैक बन जाऊं लेकिन अगर मैं ही मैं हूँ तो फिर आप अपनी दुनिया में और मैं मेरी दुनिया में सर तुम पढ़ाओ पढ़ाने में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए कोर्स कंप्लीट होना चाहिए बस उसी का वेट है मेरे को बाकी हम तो हमारा देख ही लेंगे बोले ओके नाउ गाइस लिसन आइए दानी आप आपकी ऑडिट की 100-200 पेज की बुक बनाएंगे 200 पेज की बनाइए और आप उसको नंबरिंग करोगे पेज नंबर आप डालोगे हम उस पर कंटिन्यूसली स्क्रिबल करेंगे और वो स्क्रिबलिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा हमको रिवाइज तो हमारे बुक से ही करना है हम दस चीजें स्क्रिबल करेंगे उसमें से दो चीजें हो सकती है हमको बहुत मजा आए पसंद आए तो हम हमारे बुक में उसका रेफरेंस दे देंगे देखो पढ़ने का बेस एक ही होना चाहिए आपने जिस किताब पे सौ घंटे दिए मैं आपको बड़ा से बड़ा बड़ा ब्लेंडर करते बच्चे बोले पढ़ा बुक से रिवाइज दूसरे अरे रिवाइज किसी और ऐसा कैसे होता है हाउ दैट हैपन्स प्लीज गाइज अपना बेस एक रखो तो आप सुखी रहोगे नाउ आइए ये क्या है ये क्या है तो कंपनी अरे सर अरे सर इसको कौन चलाता है स्पाइकी जो कंपनी को चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं बिल्कुल सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट भाई अरे सिर्फ कंपनी का ऑडिट होता है क्या अरे सिर्फ कंपनी का ऑडिट होता है क्या प्रोपराइटर का ऑडिट होता है क्या प्रोपराइटर का ऑडिट हो सकता है नहीं हो सकता है हो सकता है नहीं हो सकता है पार्टनरशिप का हो सकता है क्या इनकम टैक्स में फोर्टी फोर ए बी पढ़े क्या, में क्या? सर फालतू की बात बात करो ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में मत घुसो तुम ऑडिट में रहो ऐसे फालतू ऐसे ऑर्ड नहीं करने का फोर्टी फोर्टी फोर ए बी क्या होता है टैक्स ऑडिट वेरी गुड क्या होता है टैक्स ऑडिट प्रोपर्टी टर, का टर्न प्रोपराइटर का टर्न और अगर लिमिट क्रॉस कर तो ऑडिट होगा क्या यस yes. तो क्या प्रोपराइटर का ऑडिट हो सकता है पार्टनरशिप yes. yes. का हो सकता को ऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट गवर्नमेंट कंपनी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट अरे यार जहां जहां पैसा वहां वहां yes. और जहां जहां अकाउंटिंग वहां वहां ऑडिटिंग yes. अपनी जरूरत हर जगह है ए आ जाए कि उसका पप्पा आ जाए पह, पहले क्लास में सोफे सिकेट बोर्ड अपने बिना दुनिया चल नहीं सकती दुनिया हिल नहीं सकती हमारी जरूरत पड़ने ही वाली है एंड आई एम सो हैप्पी जितने क्लरिकल काम थे ना जितने क्लरिकल काम थे वो मशीनें करेंगी सॉफ्टवेयर करेंगे दिमाग वाला काम हम करेंगे एनालिसिस तो हम ही करेंगे वैल्यूएशन तो बिलियन डॉलर हम ही लाएंगे गायब भी देखो भाई नॉलेज नॉलेज है कैसे यूज करना वो तुम्हारे ऊपर कुछ लोग बोलेंगे पॉलिटिशियन को लूटना कोई लूटना नहीं होता है बड़े बड़े इन्वेस्टर को लूटना कोई लूटना नहीं होता है बस पैसा इधर का उधर मेरे को पता है बोले कैसे कमाया उसने तो कुछ लोग ये नॉलेज का ऐसा यूज करेंगे इसलिए मैं किसी को जज नहीं करने वाला जैसा भी यूज करो बराबर सिर्फ पुलिस वुलिस में जाओ तो कभी मेरा नाम मत लेना <laughs> मैं भी आपको टेक्निक बताने वाला हूं इंटरलॉइट में क्या क्या हो सकता है एनी मैनेजमेंट चलो कंपनी को चलाता कौन है मैनेजमेंट वर्ड यूज करो चलाता कौन है मैनेजमेंट तो कंपनी के ट्रांजैक्शन का नॉलेज किसको है management. अरे किसको है management. Management. तो अकाउंटिंग कौन करेगा अकाउंटिंग करवाएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सेटअप कौन करेगा मैनेजमेंट मतलब अकाउंटिंग कौन करवाएगा financial statement कौन बनाएगा Manageman. 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 भाई तो साहब आपके जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ लो मतलब पहली कोई मेरे को चार चौथे पांचवे क्लास में सर एफ क्या होता है भाई किधर से कूदू मैं ठीक है किधर से कूदू ठीक है। फाइनेंशियल कौन बनाएगा मैनेजमेंट ना अ वेरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट और यही पे तो आज शेयर होल्डर को जानना है कि शेयर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए उसको कौन मत करेगा? Financial statement. Bank को तय करना है लोन देना है कि देना कौन तय करेगा गवर्नमेंट को पता करना है टैक्स बराबर है कि नहीं कैसे पता चलेगा Financial statements. Employee बोलता है मेरा बोनस बराबर है कि नहीं प्रॉफिट कहां से मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एमेलमेशन करना है कि नहीं मर्जर करना है कि नहीं कहां स्टेटमेंट परफॉर्मेंस पता कहां से चलेगा मल्टीफोल्ड इंपोर्टेंस है किसका अरे किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो लिसन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया किसने मैनेजमेंट ने मतलब खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई किसने मतलब सब सप... वो तो ऐसा हो गया कि सीए इंस्टिट्यूट तुमको बोला खुद का पेपर खुद ही चेक करो और बोलो कि तुमको पास करना चाहिए कि नहीं करना है तुम लिखोगे मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ था कि मैं एक दिन सीए बनूं मैं नहीं तो कौन बे मैं ही हूं मैंने क्या बनना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सबसे बड़ा फ्लॉ है अपने इकोनॉमी में सबसे बड़ा फ्लॉ है अपनी इकोनॉमी में कि खुद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भुण 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 भुण। खुद बना रहे बिगेस्ट फ्लॉ अगर तुम खुद को पूछो कि बारे में खुद ही बना रहे हो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कोई बुरा लिखने वाला नहीं है लोग चीजों को कम करके दिखाएंगे रेवेन्यू की बढ़ा के बताएंगे भुण भुण। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और यहां पे इसलिए कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है हमारे होनहार बुद्धिमान शक्तिमान बाहर से एक चार्ड अकाउंटेंट आता है क्योंकि ये कहां से आता है बाहर से यह आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है प्लस इस पे क्या देता है रिपोर्ट देता है चेक करता है और इस पे क्या आता है रिपोर्ट देता है द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑडिट इज़ टू चेक एंड टू रिपोर्ट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं है क्योंकि यह बंदा बाहर से आता है इसको हम दिस इज ऑडिट और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट अरे क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा लोग मैनेजमेंट पे नहीं करते किस पे करते ऑडिटर पे इसके रिपोर्ट के बिना कोई बंदा भरोसा करने वाला नहीं है और हमारे प्रोफेशन का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि इकोनॉमी में ट्रस्ट की कमी थी किसी कमी थी ट्रस्ट की और बोले ट्रस्ट अगर चाहिए तो सीए की रिपोर्ट तो आप ही वो हो फ्यूचर और आपसे क्या निकल के आना चाहिए ट्रस्ट ना ये तो हमने देख लिया एक्सटर्नल ऑडिट व्हाट डू मीन बाय इंटरनल ऑडिट अरे एक्सटर्नल ऑडिट शॉर्ट में समझा गया भाई yeah. अरे यस yes, नो no. yeah. अब कौन बताएगा इंटरनल ऑडिट यस मैडम नहीं बैठ के बोले मैडम हाँ रिस्पेक्ट मन में होना चाहिए खड़ा होने की जरूरत नहीं नालायक हाँ एक्सटर्नल ऑडिट चेक करके गलती निकालता है सीधा पेनल्टी ठोक देता है तो आप ऐसा बोल रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट चीज़ों को चेक करे उसके पहले आप चीज़ों को चेक करवा लो तो वो क्या हो गया इंटरनल ऑडिट मतलब इससे पहले कि एग्जामिनर चेक करे आप खुद का पेपर खुद देख लो तो वो क्या हो गया इंटरनल ऑडिट अच्छा मतलब बोले दोनों काम वही करते हैं सिर्फ एक बाहर वाला है और एक अंदर वाला है बराबर बस ऐसे ही आपको बोलना इतना ही फर्क है एक घर वाली एक बाहर वाली ओके और कुछ बोल बे तेरी तो घर वाली पे ट्राई करने को और बाहर वाली पे शकल से तो इतना अच्छा लगता है बंदा ऐसे शराफत टपकती है हाँ बोल घर वाली बोल अभी तो इतना बहुत तो पूरा बोल दे हाँ इंटरनल अपने खुद के हाथ से चेक करता और एक्सटर्नल दूसरे के हाथ से चेक करता है गलती नहीं, वाला गलती नहीं होती बाहर वाला इसका मतलब पहले खुद चेक कर लो बस पहले खुद चेक कर लो और उसके बाद बाहर अच्छा ठीक है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ओके एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड टू इंटरलॉडिट ऑनलाइन वाले बताएंगे ऑनलाइन वाले ही बताएंगे इंटरनल वेरी गुड हाँ बोलो और कुछ तो होगा इंटरनल के बारे में सेक्शन 138 थर्टी तो पढ़े हो पढ़े हो उसकी लिमिट पढ़े हो पढ़े हो ना मेरे को पता है तुमने पढ़ा है लेकिन डेफिनेटली इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड यस सर ओके okay. सर बोल रहे बाहर वाला चेक कर ले उसके पहले हम चेक कर ले अल्टीमेटली मोटा मोटी यही बोलने आते है. किसी के मन में और कोई भावना है यस सर आप से? नहीं अच्छा मेरे को लगा आपके यहाँ तक आ रहा है सिर्फ निकल नहीं रहा है तो मैंने बोला पूछ लो अटक गया हाँ 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 औ, और किसी को आ रहा है जोर से किसी को नहीं आ रहा है जोर से यस yes, आपके अंदर बहुत भरा है <laughs> नॉलेज मैडम बोल रहे पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में सोचता है मतलब इंटरनल इंटरेस्ट में भी सोचता है वो और पब्लिक इंटरेस्ट में भी सोचता है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है एक्सटर्नल ऑडिटर का पूरा फोकस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अरे पूरा फोकस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको है एक छोटा सा मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इंटरनल ऑडिट यहां से आपको फील आएगा कि हाउ बोथ आर डिफरेंट कितने लोग का यहाँ यानी कितना होगा अभी बहुत से लोगों का शॉप होगा कोई कपड़ों का शॉप होगा ड्राई फ्रूट का शॉप होगा ठीक है गाड़ियों का शोरूम शॉप नहीं होता तो गाड़ियों का शोरूम होगा ना लिसन गाइज जब भी कोई एक्टिविटी छोटे लेवल पे चलती है जब भी कोई एक्टिविटी छोटे लेवल पे चलती है तो ओनर सब कुछ देख लेता है सपोज एक छोटा सा किरणा शॉप है शक्कर चाहिए वो ऑर्डर कर देगा शक्कर आ जाएगी कोई लेकर जाए तो बिलिंग वो कर लेगा माल आया उसने देख लिया पैसे दे दिए माल बेचा पैसे आ गए सब कुछ कौन देख रहा है ओनर हर धंधे में छोटे लेवल पे जब शुरुआत होती है तो हर छोटी मोटी चीज़ कौन करता है ओनर लेकिन जैसे जैसे कोई भी बिजनेस बड़ा होते जाता है अब सिर्फ ओनर चीजों को कर अरे ओनर चीजों कर नहीं सकता अरे यस नो, yes, no? अब उसको परचेस के लिए स्टाफ लगेगा हाँ। जो पूरे इंडिया में जा जाकर बेस्ट रेट पे परचेस करे अरे यस yes, नो no? जब माल उतरेगा तो उसको पूरे उसके रिटेल शॉप में ठीक है उसके रिटेल शॉप में जो थोड़ा बड़ा आपका आ, सुपर शॉपी हो जाता है ठीक है सुपर मार्केट बन जाता है उसको संभाल के रखने के लिए एक बंदा लगेगा मतलब आपका जो स्टॉक है वो मैनेज करने के लिए आपको एक बंदा लगेगा यस नो सेल्स टीम को मैनेज करने के लिए एक बंदा लगेगा अरे यस नो फिर गल्ले पे बैठ के पैसा कलेक्ट करने के लिए एक बंदा लगेगा अरे यस नो इन सबकी अकाउंटिंग करने के लिए एक बंदा लगेगा अब ये समझो, जैसी कोई भी धंधा ग्रो करता है, वहाँ पे नंबर ऑफ लोग बढ़ जाते हैं। मुझे आप बताइए आप इन लोगों को अपने मर्जी से काम करने दोगे कि उनको समझाओगे उनको कुछ स्टेप्स दोगे ऐसा काम करना है yes. आप स्टेप्स दोगे कि नहीं दोगे अरे यस नो आप उनको स्टैंडर्ड स्टेप्स दोगे जैसे परचेस वाला उसको बता देंगे देख बेटा परचेस जैसे तेरे को स्टॉक वाला बोलेगा माल खत्म हो रहा है तभी परचेस के बारे में सोचना स्टेप नंबर वन पी आर एन बनेगा परचेस रिक्वेजेशन नो फिर सभी सप्लायर से पहले कोटेशन लेना क्या लेना कोटेशन जो सबसे सस्ता हो सस्ते से सस्ता क्वालिटी में मस्त से मस्त वहां से तू माल खरीदने का परचेस ऑर्डर डालना अरे यस नो yes, जब माल उतरेगा तो उसको अच्छे से चेक करना जीआरएन बनाना अरे जीआरएन सैंड पर गुड्स रिसीव नोट जब माल आ जाएगा फिर उसका परचेस इनवॉइस लाना क्या लाना परचेस प्र। इनवॉइस और एक महीने बाद जब क्रेडिट पीरियड खत्म होता है उसको पेमेंट कर देना मतलब आपने उसको स्टैंडर्ड स्टेप्स बताए परचेस के स्टैंडर्ड स्टेप्स है माल को अच्छे से रखने के स्टेप्स है सेल के स्टेप्स है अकाउंटिंग के स्टेप्स है ये जो स्टेप्स होते हैं ये जो स्टेप्स है ये जो प्रोसीजर्स है, है इससे पूरी कंपनी अच्छे से चलती है मालिक के हिसाब से चलती है मालिक चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कम से कम कॉस्ट अरे यस नो इसी को टेक्निकली बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो स्टेप्स और प्रोसीजर्स बनाई है कंपनी के अंदर काम करने के लिए टेक्निकल डेफिनेशन भाड़ में गई पहले मतलब समझेंगे फिर डेफिनेशन में घुसेंगे जो कंपनी के अंदर स्टेप्स और प्रोसीजर्स बनी है ताकि काम स्मूथली हो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो फ्रॉड और एरर ना हो उसको क्या बोलते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भाई साहब कंपनी के अंदर के इंटरनल जो सिस्टम्स है स्टेप्स है प्रोसीजर्स है उसको हम क्या बोलते हैं कंट्रोल्स कंट्रोल्स क्यों क्योंकि ये प्रोसीजर्स के मदद से ओनर धंधा क्या करता है कंट्रोल अरे ये प्रोसेस के मदद से ओनर क्या करता है धंधा कंट्रोल ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है जितने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे दो गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है इसमें अगर थोड़ी सी भी लीकेज रह गया ना तो बड़ी बड़ी कंपनी बर्बाद हो सकती है होनहार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है ही हैज नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ठीक है चार्ट अकाउंटेंट्स आर सुपर स्मार्ट कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कौन करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर अरे कौन करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर और कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना कौन करेगा इंटरनल ऑडिटर और आप आपके आर्टिकलशिप में प्रैक्टिस में दोनों काम करोगे और मैंने मेरे आर्टिकलशिप के दौरान और उसके बाद इतने लूपहोल्स देखे जिसका फ़ायदा उठाकर आप थोड़ी बहुत मस्ती और थोड़ी बहुत ठीक है बदमाशी आप कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर्स आर एक्सपर्ट लूपहोल्स निकालने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने इंटरइड का काम किया है मैंने हर सिस्टम को जिया है तो मुझे पता है लूप होल क्या हो सकते हैं अब मैं बताता हूँ कि इंटरनल ऑडिट में क्या क्या लूप होल्स मैंने पकड़े हैं और मैं आपको बोलूँ कि आप बिना टिकट के मूवी देख सकते हो मल्टीप्लेक्स पे तो मानोगे क्या मानोगे क्या किया था तुमने देख उसने किया भी मैं आपको आज एक तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना टिकट के अच्छा और एक ही टिकट पे आप अगर मैं बोलूं दस मूवी देख सकते हो तो मानोगे क्या आज मैं अगले संडे जाएगा मेरी दिल की इच्छा पूरी करेगा मैं थिएटर में बैठा रहेगा चलो मैं जय सर का लेक्चर के बाद जाएगा मैं रात को नौ बजे तक थोड़ी पढ़ाएंगे ग्यारह बजे तक और शुरू कितने बजे हो रहा है नौ बजे नाइन थर्टी सुबह शुरू कब? आज नहीं बोल रहा हूं मैं संडे को उनको नाम देना पड़ेगा रात के जादूगर ऐसे साढ़े नौ से नाउ लिसन गाइज एंड दैट इज वेयर स्मार्टनेस कम्स आज के डेट में आप देखो हमारे भाई भी अच्छे सुन रहे हैं। मैं भी जाएगा बोले <laughs> लेसन ध्यान दो आप पांच दोस्त हो दो दोस्त टिकट निकालो ठीक है आप अगर ध्यान से किसी मल्टीप्लेक्स को इमेजिन करोगे इफ यू इमेजिन अ मल्टीप्लेक्स तो उन्होंने उसको किस तरीके से डिजाइन किया मैं आपको बताता हूं हाउ दे हेव डिज़ाइंड इट ये आपकी मेन लॉबी रहती है ये रहता है एंट्रेंस फिर आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्क्रीन वन स्क्रीन टू स्क्रीन थ्री स्क्रीन फोर और कंजेशन नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसा होता है कि ये सब एग्जिट पे निकलते हैं ये कहाँ निकलते सब एग्जिट पे अब आप दो दोस्त हैं आपकी टिकट कहाँ पे चेक होती है एंट्रेंस पे स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट लो क्यूआर कोड का सर इतना आसान था अपने दोस्त को भेजो वही क्यूआर कोड पे आपके तीन दोस्त भी एंट्री मार लेंगे क्योंकि आज के डेट में उनके सिस्टम्स में सिर्फ वो क्यूआर कोड देखते हैं ये नहीं देखते कि क्यू कोड कितने बार स्कैन हुआ है वही स्क्रीन के बेसिस पे आपके बाकी के तीन दोस्त अंदर चले जाएंगे नाउ ये आप मैं कभी भी आप जाओ बिल्कुल कर सकते हो और क्यों हम ही बहुत होशियार है कंपनी नहीं वो सब डिस्कस करूंगा मैं तो टिकट कितनी खरीदी दो, दो. मूवी देखने कितने लोग गए पांच इजीली पॉसिबल बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं बताता हूँ है, करते हैं मैं बोलता हूँ करो तुमको जो करना है करो नॉलेज से मेरा नाम मत लाना हमारे सो ने बोला था प्रैक्टिकल करके आना ये सर का नंबर है फोन लगाओ साला मैं अलग मर गया हूँ यहाँ पे वैसे आज तक तो कोई पकड़ा नहीं गया लिसन मैं और मैं आपको ये मैं आपको ये आई एम नॉट कि भाई थोड़ा थ्रिल थोड़ी मस्ती और इससे कोई हम कोई करोड़पति नहीं बन रहे और वो कोई रोडपति नहीं बन रहा ठीक है मतलब सर आप जस्टिफाई कर रहे हैं। थोड़ी मस्ती तो चलती है और तुम भी कोई इत दूध के धुले नहीं हो लिसन आप पहले कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे खुद भी करके देख तू नहीं हुआ तो मैं फीस के पैसे वापस प्रपोर्शनेटली प्रपोर्शनेटली मतलब टोटल फीस देना मैंने जितने डिवाइड मारना जो कॉन्सेप्ट नहीं चला उतना पैसा वापस मैं भी मारवाड़ी आदमी तो क्या पहले लॉबी में आप जाओ पहले लॉबी में जाओ अंदर मूवी देखो मूवी खत्म होने के बाद में कम बैक टू तो द मेन लॉबी कम बैक टू तो द मेन लॉबी एग्जिट मत मारो और फिर आप दूसरे स्क्रीन में जाओ बैठ जाओ नहीं बहुत बार अंदर आ सकते पांच मिनट पहले अरे आप बोल सकते अरे वॉशरूम यूज करना है ये वो यू कम बैक क्या मैडम आराम से वो बोलते आपको रिक्वेस्ट करते कि आप किससे जाओ एग्जिट से जाओ अरे नहीं नहीं वॉशरूम वो कुछ कुछ खाना पीना है वापस आ जाए और फिर आप कहाँ चले जाओ दूसरे स्क्रीन में फिर दूसरे से निकलो तीसरे से निकलो सुबह छह बजे एंट्री मारना पहले शो को आज मैं पूरी दुनिया देखेगा कुछ नहीं छोड़ेगा मैं हर जगह जाके मैं जाएगा और हर पिक्चर देखेगा सिर्फ इसमें एक ड्रॉबैक है आप इंश्योर करो कि मूवी शुरू हो गई है, मूवी शुरू हो गई फिर जो खाली सीट वो वो अपनी सीट है। आप दिन भर मल्टीपल मूवी सब देख सकते हो सिर्फ ज्यादा होशियारी तुम टशन में चल रहे वहां पे हो हल्ला मचा रहे साला बोले ये, दो घंटे से दिख रहा है चार घंटे से पहले इधर गया था ऐसा फिर इधर गया है कुछ तो गड़बड़े बोले दिस कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी खामी है इंटरनल कंट्रोल डिफिशियंसी और इंटरनल ऑडिटर्स वो चैम्पियंस होते हैं जो सारी को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं मैनेजमेंट को बताते हैं उसको ठीक करते हैं मैं बोलता हूँ इंटरनल देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसमें खामी है तो इट विल लीड टू रेवेन्यू लीकेज इट विल लीड टू रेवेन्यू लीकेज और अब आपको लगता है बेवकूफ़ है कंपनी वाले अरे वो उधर नहीं खेलेंगे बार बार टीवी वी बन चलू होता है चार्जिंग चार्जिंग मत खेलो ठीक है नाउ नहीं अब जैसा है, वैसा रहन दो हाँ ओके ओके नाउ लिसन ध्यान दीजिए मैं आपको आप कंपनी वालों की क्या सोच है दे डोंट वॉन्ट टू वो चाहे तो एक एक बंदे को यहां पे लगा दे यस yes, नो no. yes. इसको बोलते इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मॉडिफाई करना कि हमने एक बंदा कहां लगाया था एंट्रेंस पे अब कहां पे लगा दो आप पहले स्क्रीन पे आप लगा दो यस yes, नो no. yes. कौन बताएगा कंपनी वाले ऐसा क्यों नहीं करते एग्जैक्टली व्हाट कम्स विद कॉस्ट चार बंदे तुमने लगा दिए इट इंक्रीजेस कॉस्ट और बताओ और बताओ ऑलरेडी लॉस मेकिंग में रहते हैं ठीक है कॉस्ट तो कॉस्ट समझ गया मेरे को कॉस्ट के अलावा और क्या दो दो गार्ड एक ही काम कर रहे हैं ओके दो बार चाहिए रिपीटेशन हो रहा है हाँ कंज्यूमर एक्सपीरियंस इरिटेट होता वो पहले तुम वहां पे उसने बोला आज ऐसे करो ऐसा 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 फिर यहां पर भी बोला साला तुम्हारा खत्म ही नहीं होता बोले यहां पे मेरी मूवी जा रही बोले नेशनल एंथम चला गया मेरा और तेरे को चेकिंग ही करनी है मेरी और कितनी बार चेकिंग करेगा तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आदमी आजकल फ्रस्ट्रेशन तो आदमी पहले निकाल ले खुद रहता फ्रस्ट्रेटेड मौका मिलना चाहिए फिर फिर एडमिन की जो बजाते नीचे जाके मेरी पढ़ाई नहीं हो रही नालायक को तुम्हारे वजह से बोले गाइस कंज्यूमर एक्सपीरियंस बिगड़ता है कंज्यूमर एक्सपीरियंस बिगड़ता है और उन्होंने देखा कि जो क्लास जो क्लास से मल्टीप्लेक्स में जा रहा है प्रोफेशनल्स है बिजनेस है उनको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है वह ऐसी छोटी मोटी हरकतें नहीं करेंगे ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके जान बूझ कर दे टेक अ जजमेंट दे टेक अ जजमेंट कि बॉस ये मेरे को सिस्टम में लगाना नहीं है और हर चीज़ का समय आता है कभी अगर आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे मूवी शुरू होने के बाद एक बंदा काउंटिंग करता है तो कभी आपको दिखा नहीं होगा लेकिन एक बंदा काउंटिंग करता है कितनी टिकट्स बिकी थी और कितने हैं अगर कभी ऐसा लगा कि नंबर ऑफ लोग ज़्यादा बैठ रहे हैं तो वो बराबर कुछ दिनों बाद वो सिस्टम को लेकर आएंगे लेकिन अभी तक मैंने देखा है सालों में कोई सिस्टम लेकर नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी मस्ती ये लाइफ में तो आप कर ही सकते हो हमने भी की है हमारे टाइम एक एग्ज़ाम एक ख़त्म हुई फाइनल्स की दोस्तों को बोला पिक्चर जाना है भाई नालक रहते थे दोस्त नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा ठीक है पंद्रह लोगों को पूछा पांच लोगों ने हाँ बोला पांच टिकट निकाले आ गए नौ सालों तुमको पहले नहीं समझता क्या उसमें से एक काड़ी आज उसकी सौ करोड़ की एनबीएफसी है क्योंकि वो पहले से काड़ी हुआ था ठीक है तो फिर आए बोले टिकट निकाल दे नहीं, नहीं यार उधर देख कोई दिखा क्या तू उधर देख बोले वो बुढ़ा आदमी साले किसी को भी देखता है क्या तू बोले वो वॉचमैन देख सेट हो जाएगा उसको सौ रुपए दे अपन अंदर चलते आखिरी शो है मैनेजर नहीं है उसको सौ रुपये दिए और सारे दोस्त अंदर मूवी देख के बाहर मतलब इंटरनल कंट्रोल टूटता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टूटता है जहां जहां पे ह्यूमन बीइंग है जहां जहां पे ह्यूमन बीइंग है उसको मैनुपलेट करके ब्राइब देके उसको तोड़ा जा सकता है गाइस ये एक था तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना बंदा चाहिए वो कौन है इंटरनल ऑडिटर अभी एक ही बताऊंगा ठीक है मैं आपको हर लेक्चर में एक बताऊंगा मतलब अगर आपको फ्री में शॉपिंग करनी है लड़कियां एकदम फ्री में शॉपिंग करनी है ठीक है तो वो कैसे करते अभी सब एक ही क्लास में रहेगा तो बा चला अपनी नके फ्रॉड की दुकान बन चुकी है हम ऑडिट पढ़ने थोड़ी जाते हैं हम हाँ हम लोगों को सिर्फ क्यूट बोलते बोले चलो ध्यान ना लिसन गाइज ध्यान दीजिए तो अगर अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में इंटरनल ऑडिट की अगर मैं बात करूं इट इज सिंपली एग्जामिनिंग इंटरनल आपको इस एग्जाम्पल से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसका भी फील आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और बहुत ही स्मार्ट बंदे जो पूरे कंपनी को सेफ रखते हैं दे डिजाइन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स नाउ एक हमको एक रफ ओवरव्यू आ गया व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल ऑडिट एंड व्हाट डू मीन बाय इंटरनल ऑडिट नो। भाई दो घंटे हो गए शुरू कब किया था सवा ग्यारह अभी कितने हो गए सवा एक ओके गाइज सो वी गो फॉर अ ब्रेक और हम लोग आने के बाद में विल सी द डिटेल डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एंड विल स्टार्ट विथ बेसिक्स चैप्टर फोर फिर ठीक है चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है ऑनलाइन वाले भी ब्रेक ले लेंगे किसी को सैंपल नोट्स नहीं मिले होंगे तो ले लेना आप लोग क्या सेम सेम <सवीज़ीज़ी> तो <सवीज़ीज़ी> हाँ क्यों कुछ चेंज चाहिए अपना ऑफिशियली अनाउंस्ड है 115 टू 215 फिर धीरे-धीरे दो-तीन लेक्चर बाद बच्चों के इससे हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं 115 टू 215 अपना ब्रेक है एक घंटे का खाओ और एक पंद्रह मिनट का नैप ले लो ठीक है हेलो 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 एवरीवन जिंदा है क्या भाई अभी तक तो बाकी मैंने क्लास में देखा कोई नैप वैप तो कोई ले नहीं रहा था बोले बोले तो सर क्लास है ना फिर क्लास किसके लिए क्लास यूज करेंगे बाकी वेरी हैप्पी बहुत सारी क्यूरोसिटी बहुत सारे सवाल सर ऑडिट को लोग इतना डिफिकल्ट क्यों समझते हैं बोले ट इज सो डिफिकल्ट लोग क्यों इतना घबराते हैं इतना घबराना क्यों चाहिए वेरी गुड क्वेश्चन स्टार्ट विथ दैट गाइज जैसे लॉ और ऑडिट में सबसे बड़ा फर्क क्या मत दोनों थेरिया ऐसा आप मानते अरे यस नो लॉ की थेरी क्या होती है बहुत ही क्रिस्प होती है उस पर बहुत रिसर्च करके कमिटीज उसको बनाते हैं और एक सबसेक्शन में एक चीज है तो अगले सबसेक्शन में नहीं रहती इट्स अ नेक्स्ट थिंग अगली चीज रहती है बहुत क्रिस्प होता है सबसेक्शन वन में एप्लीकेबिलिटी तो टू के अंदर उसका एक्सेप्शन थ्री के अंदर उसकी प्रोसीजर चार के अंदर उसकी रिपोर्टिंग लेकिन ऑडिट में क्या होता है हर जगह पे फैक्टर्स निकल के आते हैं मतलब मैं कभी कभी बोलता स्टैंडर्ड ऑडिटिंग नहीं होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ ऑडिटिंग जैसे ऑडिट कौन से एरिया में ज्यादा करना फैक्टर्स बाहर वाले की मदद लेना कि नहीं लेना फैक्टर्स फाइल में डॉक्यूमेंट्स कम रखना कि ज्यादा रखना फैक्टर्स रिपोर्ट में लिखना कि नहीं लिखना फैक्टर्स आपको फैक्टर्स दे रहे ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप अच्छे डिसीजन ले सको इसीलिए क्योंकि हर जगह फैक्टर्स आते हैं तो कुछ नहीं कॉन्सेप्टी समझने का है मैं मेमोरी टेक्निक दूंगा उसको यूज करने का है और जितना आप उसको रिवाइज करते जाओगे उतनी लाइफ सॉर्टेड रहेगी कोई चिंता करने की बात नहीं है चलिए फटाफट फड़। हम लोगों ने आज आए और हम लोगों ने बहुत सारा बैकग्राउंड देखा मेरे बारे में देखा सब्जेक्ट के बारे में देखा पेपर के बारे में देखा और हम लोगों ने देखा दो तरह के ऑडिट होते तो कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके उस पर रिपोर्ट दे वो कौन है एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करके उस पर रिपोर्ट दे वो कौन है इंटरनल ऑडिटर अरे यस नो यस yes, नो yes, no? yes, क्या हम फ्री में मूवी देख सकते हैं ओके yes, okay, तो फ्री में मूवी देख सकते हैं उसके बाद में भी लेकिन फिर लोगों को इंटरेस्ट है सर वो सब ठीक है फ्री में शॉपिंग का कैसा तो लोग तड़प रहे वो सब जान दो वो भी सिर्फ लड़कियां तुम शॉपिंग का बताओ तो वो मैं आज आखिरी में बताऊंगा कि फ्री में शॉपिंग कैसे कर सकते चाहिए और कुछ लोग बोल रहे ठीक है भैया आज के 500 सौ रुपए वसूल हो गए फीस के बोले मैं 500 सौ रुपए की मूवी देख लिया नाउ आई गई ना विल सी वेरी लवली डेफिनेशन ऑफ ऑडिट सबसे महान इंस्टीट्यूट कौन है हमारा मंदिर कहां है इंस्टीट्यूट ऑफ of... अरे इंस्टीट्यूट ऑफ of... तो ऑडिट के कर्ता धरता कौन है आईसीए है। ऑडिट कैसे करना कौन बताता है आईसीए है। ऑडिट की बेस्ट डेफिनेशन किसने दी है स्टैंडर्ड ऑन कौन बनाता है तो सीए इंस्टीट्यूट ने ऑडिट की बहुत ही प्यारी बहुत ही सिंपल सी बहुत प्यारी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है आइए ये भी बेसिक्स के अंदर है हम लोग थोड़े बहुत बेसिक्स ही देखते जाएंगे और स्क्रिबल करते रहिए भाई दोस्तों स्क्रिबल करते रहिए आप जब मैं नहीं भी लिखू जब मैं नहीं भी लिखू तब भी आप स्क्रिबल करते रहिए जितना आप लिखते रहेंगे छोटी छोटी बातें अपने अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन और मैं आपको बता दूं कोई ये फेयर नोट्स नहीं है लेसन गाइज लॉ में शुभम सर का एक अप्रोच था क्योंकि सब्जेक्ट कंपेरेटिवली कम था और टाइम ज्यादा था तो पहले स्क्रिबल फिर फेयर एंड सोन अपना सब कुछ ए टू जेड जो बोल रहे थे ना लवी और अर्नव अपन ने सब करके रखा हुआ है और सब छाप के दिया मतलब अपने नोट्स में एग्जाम्पल भी छाप के दिए ग्रीन कलर में सर पहले नहीं बता फिर क्लास नहीं लगाना क्या क्लास नहीं लगाना फिर क्या इतने पैसे क्लास में देने के बुक लेते फिर मज़े मारते हम लोग सब कुछ दिया है गाइज लेकिन हम लोगों को क्लास में जितना एक्टिव रह के काम करेंगे उतना बहुत अच्छा अगर आपने 10 पेज लिखे और 10 पेज में से आपको लगा ये चार्ट में बजा आया उसका रेफरेंस दे देना है नोट्स में उसका रेफरेंस दे दिया उतना काफी है जितना स्क्रिबल कर सकते उतना स्क्रिबल करना है आइए सी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन आईसीआई ने दी है आइए लिखे मेरे साथ साथ में अगर आपको स्क्रीन पे कभी भी ऐसा लगे कि स्पेलिंग गलत है तो समझना आप सही हो तो समझना आप सही हो बराबर और फिर आप जो सही है वो लिख देने का करेक्ट क्योंकि मैं उसको ठीक करने वाला नहीं हूं ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आता मैं तुमको टेस्ट करता रहता ना यस अर्नव का एंथुजम खत्म ही नहीं हो रहा वो ऑनलाइन चैट में आ गया है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एक एक शब्द इतना प्यारा बनाया सीए इंस्टीट्यूट ने हमारे महान इंस्टीट्यूट ने देखो भाई एक बात समझना उसकी इज्जत है तो अपनी इज्जत है अल्मा मैटर अपनी इंस्टीट्यूट को कभी मतलब कुछ गाली नहीं मारना उसके बारे में फालतू की बातें नहीं करना ये तो छोटी मोटी चीज चलती रहती है करेक्ट <laughs> साला पेपर डिफिकल्ट आया ठीक है ना ध्यान देंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट आइए एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन Of financial records and statements with ultimate objective. टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर आप पूरा लिखेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा करें लिखा डन लिख दिया क्या बात करें सही में लिख दिया आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे साथ-साथ लिखते हो आप लोग आपको लिखने का टाइम नहीं देना पड़ता भाई आंसू आ जाएंगे खुशी के मैं आपको बोल रहा हूं अगर तुम प्रोफेसर के साथ-साथ लिख रहे हो इतना अच्छा मतलब तुम तो यार पास होने के लिए बने हो सर चढ़ाओ मत जबरदस्ती तुम ओके okay. फिर मैं उतारूंगा ध्यान दो नालीसन ऑडिट इज सिस्टमैटिक ये कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं है कि तोते को बिठाया जा जाके तू कोई डॉक्यूमेंट उठा उसको चेक कर लेंगे ऐसा भी होता नहीं है इट इज अ वेल थॉट सिस्टमैटिक प्रोसेस और कौन हमको बताएगा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप प्यार से ऑडिट करना चाहिए कौन बताएगा कौन हमको बताएगा कि हम लोगों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑडिट को करना चाहिए और 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 कौन हमको बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए कौन हमको बताए अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कौन हमको बताएगा प्यार से सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप और करें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो सकते थे लेकिन दोनों सेम हो जाते हैं इसलिए इंटरनेशनल ने उसका सीक्वेंस बदल दिया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बिल्कुल ऑडिट इज सिस्टमैटिक ऑडिट बहुत ही सिस्टमैटिक वेल डिफाइंड प्रोसेस है वेल डिफाइंड प्रोसेस है एस पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इसमें ऐसा नहीं होता मेरे मन को भाया मैं कुत्ता खाट के खाया सुना ही डायलॉग कभी आपने नहीं सुना ऐसी हरकतें नहीं होती सबको सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिस्टमैटिकली एक ही तरीके से सोचकर प्रिंसिपल्स फॉलो करके ऑडिट करना पड़ता है इट अ वेल डिफाइंड प्रोसेस एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओके क्या कोई भी व्यक्ति ऑडिट कर सकता है अच्छा जब भी मैं ऑडिट की बात करूं बाय डिफॉल्ट इट मींस व्हिच ऑडिट एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट क्या कोई भी बंदा कर सकता है कि कंपनी के एम्प्लॉई से करवा ले कंपनी के डायरेक्टर से करवा ले कंपनी के शेयर होल्डर से करवा ले डिस्क्वालीफिकेशन पढ़े आपने सेक्शन 141 यस क्या किसी भी करवा सकते हम लोग नहीं, नहीं, नहीं एक होनार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति जो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लीगली फाइनेंशियली पर्सनली कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है निष्पक्ष व्यक्ति चाहिए न्यूट्रल बंदा चाहिए तो उसकी चेकिंग में मतलब है तो उसकी रिपोर्ट में मतलब है नहीं तो उठा के गला पकड़ लिया एम्प्लॉय का चल रिपोर्ट दे उसकी रिपोर्ट पे कोई भरोसा करने वाला है क्या नहीं इंडिपेंडेंट इसका मतलब जो पर्सन है जो टीम है ये नॉट डिपेंडेंट होनी चाहिए ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए नॉट डिपेंडेंट फिर वो लीगली हो फाइनेंशियली हो या पर्सनली हो लीगली फाइनेंशियली पर्सनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए रिलेटिव भाई आप उनके सब्सिडरी कंपनी में काम करते हो बराबर आप सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय हो कंपनी के डायरेक्टर हो वापस आप क्या हो गए डिपेंडेंट आपने उनसे 50 लाख का लोन लेकर रखा है फाइनेंशियली क्या गए डिपेंडेंट आप एमडी के साले हो आप क्या हो गए डिपेंडेंट ऐसा बंदा चेक करेगा तो कोई आपका रिपोर्ट का मतलब है क्या कोई रिपोर्ट का मतलब नहीं है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ऐसी टीम होनी चाहिए जो लीगली फाइनेंशियली पर्सनली डिपेंडेंट ना हो तो उस पर भरोसा होगा इट इज एग्जामिनेशन हम चीजों को एग्जामिन करते हैं मतलब क्या चीजों को चेक करते हैं विथ एविडेंस क्या सच है क्या झूठ है कौन बताएगा एविडेंस अरे क्या बताएगा एविडेंस चलो आपसे पूछता हूँ कंपनी के पीएनएल में दिख रहा है पचास लाख का रेंट पे किया है अब आपको पता करना है कि सही में रेंट था कि नहीं था कम था कि ज़्यादा था कॉमन सेंस लगाओ मुझे बताओ पचास लाख का रेंट आपको दिख रहा है पीएनएल में हाउ विल यू चेक इट आई वॉन्ट जितना सोच सकते सोच के बताओ मैडम बोल रहे हैं जिस जगह पे प्रॉपर्टी है आजू बाजू का रेंट देखो सही में पचास लाख है कि नहीं है ओके okay, और रेंट अग्रीमेंट देखो रेंट अग्रीमेंट देखो कि सही में रेंट अग्रीमेंट में पचास लाख है कि नहीं है और रेंट स्लिप अगर अपन ने पेमेंट किया है तो सामने ने हमको स्लिप दी होगी प्रूफ ऑफ अ पेमेंट प्रूफ ऑफ अ पेमेंट Stamp Act value. नहीं वो सेलिंग प्रॉपर्टी में बहुत होता है रेंट में ठीक है और हा? क्या नहीं वो और कुछ बोला फोन पे की हिस्ट्री <laughs> ये फोन पे पे रेंट कौन पे करता है अच्छा बोले मैं तो वैसे ही पे करता हूं बोले भाई तेरा पचास लाख का रेंट नहीं है फोन पे की हिस्ट्री दूसरा बैंक बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट पचास लाख दिखना चाहिए जेन्युन है कि नहीं वही हम चेक करें जेन्युन है कि नहीं तो उसके लिए क्या कर सकते और विजिट करेंगे सही में वहां पे धंधा हो रहा कि नहीं हो रहा पता चला वहां पे तो यार ये कोई पर्सनल रेसिडेंस है जिसके बारे में कंपनी कुछ बोला हुआ नहीं है मतलब डायरेक्टर एक प्रकार से चोरी कर रहा है पचास लाख चुराने से अच्छा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट किससे भरवा रहा है कंपनी से भरवा रहा है और कैसे और क्रिएटिव आंसर और कुछ कुछ चीजें जो थोड़ा टैक्स से जोड़ो ना वो एरिया का रेंट कितना है रेंट कंट्रोल एक्ट पार्टी है क्या सही में ऐसे पार्टी कोई फेक बंदे को पेमेंट तो नहीं कर रहे है। और थोड़ा टैक्स से जोड़ो एक चीज टीडीएस अगर तुमने तुमने रेंट पे किया है क्या काटा होगा टीडीएस तो टीडीएस कटा हुआ दिखना चाहिए टीडीएस से तुम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो इतना टीडीएस तो रेंट कितना अरे इतना टीडीएस तो रेंट कितना और कुछ सामने वाले ने उस पर टैक्स भरा है क्या ओके okay. बारह महीने का ग्राफ बनाएंगे बारह महीने का ग्राफ बनाएंगे हॉरिजॉन्टल आना चाहिए जनरली स्पिंग। अरे यस नो। जनरली हर साल रेंट कैसा रहता है सेम अगर मैं उन सब का अगर मैं ग्राफ बनाऊं मंथली ग्राफ तो कैसा आना चाहिए हॉरिजॉन्टल चेंज है तो जस्टिफाइड होना चाहिए बड़ा अच्छा नई प्रॉपर्टी आई कम हुआ एक प्रॉपर्टी छोड़ दी बढ़ गया क्योंकि रिवीजन ऑफ रेंट था ग्राफ graph बनाओ ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे कि 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 ग्राफ हॉरिजॉन्टल है है नहीं है नहीं नहीं चीजें जस्टिफाइड अगर अब देखो मैं कैसे सोचता हूं आपको आसान चीज बता रहा हूं एकदम रामबाण उपाय बता रहा हूं आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप आर्टिकलशिप में जाओगे कोई भी चीज को चेक करना है ना आप सिर्फ ये सोच लो प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे हुई होगी कैसे वही होगी प्रॉपर्टी रेंट पे ली है प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो भाई कंपनी के लोग वहां पे प्रॉपर्टी देखने हो गए होंगे अरे यस नो yes, आपने भी जाके देखना चाहिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो सही में वहां पे धंधा हो रहा कि नहीं हो रहा फिर सामने वाले से नेगोशिएशन किया होगा अरे यस नो क्या साइन किया होगा एग्रीमेंट देखना चाहिए एग्रीमेंट है ना एग्रीमेंट में कितना रेंट है मैच हो रहा कि नहीं हो रहा फिर प्रॉपर्टी जब रेंट पे तो क्या पे करते हैं प्रॉपर्टी अगर पे कर तो क्या पे करते हैं डिपॉजिट तुमने देखना चाहिए डिपॉजिट पे किया कि नहीं किया अग्रीमेंट से मैच होना चाहिए फिर आप जब पेमेंट करते हो आप जब पेमेंट करोगे आप जब पेमेंट करोगे तो वहाँ पे अप्रूवल लगता है लोगों का कंपनी अगर बड़ा पेमेंट है तो डायरेक्टर का अप्रूवल लगता है किसका अप्रूवल डायरेक्टर का तो देखो डायरेक्टर ने अप्रूव किया था कि नहीं किया था चेक पे दो डायरेक्टर की साइन थी कि नहीं थी बैंक स्टेटमेंट में एंट्री दिख रही कि नहीं दिख रही सामने वाली की रिसीट आ रही कि नहीं आ रही पे करते तो क्या काटा होगा टी डी एस तुमने टी डी एस बराबर काटा कि नहीं काटा आपके अकाउंट्स में रेंट अकाउंट डेबिट हुआ कि नहीं हुआ और आखिरी में पूरा डेटा लेके ग्राफ बनाओ ग्राफ लॉजिकल है कि नहीं है बस ये सोच लो कि ट्रांजैक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी और उसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ था आपको अपने आप क्लिक होगा कि आपने कौन से कौन से डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए ऑडिट इज ऑल अबाउट एग्जामिनिंग थिंग्स विथ एविडेंस अरे वेद एविडेंस गाइज ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका ऑडिट का फील था सिंपलेस्ट तरीके का ऑडिट का फील था प्रैक्टिकल लाइफ में बस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम को चेक करना है हर इनकम एक्सपेंस एसेट लाइब्रेटी को चेक करना है अगर आप ये चेक करने वाले व्यक्ति बन गए करेक्ट पूरा ऑडिट आपने कर लिया सर फिर ये इतना बड़ा क्लास क्यों होता है इतना बड़ा क्लास क्यों होता है क्योंकि लोगों ने बेवकूफ़ बनाने के नए नए स्कीम बना लिए लोगों ने बेवकूफ़ बनाने के नए नए स्कीम बना लिए और उसको चेक करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसलिए पूरा सब्जेक्ट नाउ एग्जामिनेशन इज चेक विथ एविडेंस फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइज ऑडिट कई प्रकार के आते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया कौन सा ऑडिट है फाइनेंशियल ऑडिट प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है कौन सा ऑडिट है क्वालिटी ऑडिट एनर्जी कंजम्पशन कम कैसे कर सकते हैं कौन सा ऑडिट है एनर्जी ऑडिट एनवायरमेंट का पोल्यूशन कैसे कम कर सकते वो क्या है एनवायरमेंट ऑडिट अंडर स्टाफिंग तो नहीं है ओवर स्टाफिंग तो नहीं है वो क्या है एच आर ऑडिट अरे समझा क्या मैंने सबको समझता क्या अंडर स्टाफिंग अरे यस नो कहीं पर भी कुछ हवा नहीं लगी बिल्कुल गर्व से बोलने का सर डाउट है अगर मैं आपको सच बता रहा हूं अगर आप आज अपने इस क्लास में डाउट नहीं पूछ सकते हो हाउ विल यू बिकम लीडर ऑफ टूमोरो क्लास वो जगह है जहां पे आपकी लीडर बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है आज अर्नव था तुमको ऐसा लगा वो बहुत अच्छा बोलता है बिना हेजिटेशन के वो बात करता था बहुत सारी बात करता था तो आज उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं है बिंदास रिसीट अपने जेब में रखने का पैसे भरे तुमने कभी कॉन्फिडेंस की कमी हुई जय माता दी सर प्लीज क्लियर माई डाउट गाइज आई एम सेइंग मैं आपको बता रहा हूं मैं जब स्टूडेंट था तो सर तो मेरे को पूछते थे टाउरी आगे जाने का क्या यानी टॉन्ट मारते थे <laughs> डाउट इतने पूछते थे तो पहले अबे टाउरी ने कुछ पूछा नहीं हाँ जाने का आगे? यस सर यस सर आगे जाते तो बिंदास होकर अपन ने क्या पूछने का डाउट और पुरानी कहावत है इफ यू आस्क डाउट यू मे बिकम फूल फॉर अ सेकंड यू मे बिकम फूल फॉर अ सेकंड बट इफ यू डोंट आस्क यू मे रिमेन फुल फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ अरे समझा गया पूछा तो हो सकता है तुमने गधा डाउट पूछा हो गधे से गधा डाउट पूछा हो लेकिन नहीं पूछा तो ऐसा हो सकता है यू विल बी फुल फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई वर्क विथ सा म्यूचुअल फंड वहां पर एक फंड मैनेजर ज्वाइन किया था उसका ज्वाइनिंग बोनस ठीक है 2005 में सात करोड़ रुपए था मतलब तू सिर्फ आके हमको ज्वाइन कर सैलरी नहीं था उसका तू सिर्फ आके मुझे ज्वाइन कर 2005 की बात कर रहा हूं तो जब हमको पता चला ना सात करोड़ रुपए और हमारा स्टाइप था दस हजार तो सात करोड़ तो जब वो उतर मेरे को दिखता ही सात करोड़ सात करोड़ आए हैं सात करोड़ घूम रहे हैं भटक रहे एंड दिस तो एंड विल गो अहेड ऑडिट्स इज लॉट अबाउट एक्सेल तो पीडब्ल्यू में काम कर करके ऐसे अपन ने दो दो तीन तीन महीने बिना छुट्टी के काम किए त्यौहार व्यवहार सब भूल गए एकदम मशीन बन गए मेंटली फिजिकली ब्रेक होते फिर मशीन बन जाते तो so, एक्सेल में तो अपन ऐसे नींद में भी किसी ने उठाया कट 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 तो मेरा फंड मैनेजर मेरे को बहुत सारे काम देता था उसको लगता था कि ये काम तीन दिन चलेगा चार दिन चलेगा बोले चार बजे तक ही ख़त्म हो गया बोले कैसे करता है तेरे पहले और एक ट्रेनी था बोले ऐसे ऐसे करता है बहुत खुश हुआ वो मैं बोला हम आर्टिकल है वो आई का एम था वो वो आई का एम था उनको क्या स्टाइल मारना ज़्यादा आता सच बता रहा हो फ्लैट और कोई बुरी बात नहीं आना चाहिए कभी कभी किसी को इम्प्रेस करना है तो स्टाइल मारना आना चाहिए कोई बुरी बात नहीं अपन ने वो भी लेने का लेकिन अपन थे आर्टिकल हार्ड कोर दिन रात मेहनत करने वाले अपन जमीन से उठे हुए थे उसको बहुत मज़ा आया बोले क्या ये बंदा है यार खटाखट काम करता है चार दिन का काम ये साला हाफ डे में कर देता है तो उसने वो सात करोड़ वाले को बता बताया कि ये बंदा बहुत सही है तो एक दिन फ्राइडे इवनिंग वो सात करोड़ वाला आता है <laughs> सात करोड़ भाई वो खड़ा मैं यस yes, सर बोले कैन यू डू मी फेवर क्या बात कर रहे हो सर जान ले लो आप तो सात करोड़ हो आप मैं दस तुम सात करोड़ मैं दस हजार तो बोले वॉट आर यू डूइंग ऑन वीकेंड साला ये तो बहुत ही बी ऑफ मैं बोला ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था नथिंग सर आई विल बी स्टडिंग सी ए फाइनल फॉर फ्यू आवर्स अच्छा कैन यू कम टू ऑफिस कैन यू ट्रेन मी फॉर द एक्सेल मेरे को लगा मजाक कर रहा अरे सर इतना बड़ा आदमी तो फिर उसने उस दिन एक स्टेटमेंट बोला बोले वेरी लेट इन माई लाइफ आई लर्न वन थिंग इफ़ यू डोंट नो सम यू शुड आस्क यू शुड नॉट प्रटेंड यू शुड नॉट प्रटेंड दिखावा मत करो कि तुमको आता है तुमको अगर कुछ नहीं आता है तो यू शुड आस्क और बोले आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ओनली बिकॉज जब जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैंने बेझक होके पूछा है मैंने छोटे से छोटे बंदे से सिखा है और बड़े से बड़े बंदे से सीखा है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डोंट नो सिंपली आस्क इतनी कौन सी बड़ी बात है यू शुड आस्क लोग हेजिटेट करते क्या हो जाएगा और मैं बोलता हूं जब तक तुमको कोई गोली नहीं मारता तब तक डरने का नहीं सच बता रहा लाइफ में मेरा भी फंडा है कोई गोली मार रहा फिर मैं डर जाता क्योंकि ये गई ना जिंदगी तो वापस नहीं आती <laughs> फिर मैं डरता जब तक कोई गोली नहीं मारा साला देख लेंगे आजा तू तो भी इसलिए यू शुड आस्क मैं कोई गोली मार रहा क्या मेरे पास तो बंदूक भी नहीं है ध्यान देंगे ना लिसन फाइनेंशियल रिकॉर्ड इट इज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मतलब एम मतलब गोल With ultimate objective, with ultimate aim, ultimate objective, ultimate goal. ऑनलाइन तुषार राणा है नवंबर 22 बैच 78 में स्कोर किया सर अभी पीडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ बहुत बढ़िया एक दिन आप लोग भी ऐसा मैसेज करोगे ध्यान देंगे विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोल है वी वी आर आर ऑन ऑन अ अ गोल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक गोल है और एक ऑब्जेक्टिव है एक सिंगल गोल ऑब्जेक्टिव है उसी पे हमारा फोकस है टू गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप मुझे बताओ क्या वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी हमारा गोल है yes. क्या कंपनी को वैल्यू करना कि तू दो बिलियन का है कि तीन बिलियन का है कि चार बिलियन का है कि पांच बिलियन का है क्या यह हमारा ऑब्जेक्टिव है वेदर टू वैल्यू कंपनीज अवर ऑब्जेक्टिव यस नो यस नो पचास पेज के डॉक्यूमेंट है बैलेंस शीट पीएनएल टू अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बस ये भरोसेमंद है कि नहीं यही मेरा ऑब्जेक्टिव है वैल्यूएशन वैल्यूएशन मेरा काम नहीं, है अकाउंटेंट्स करते दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट चार्ड अकाउंटेंट वैल्यल मैनेजमेंट वो एफ एम में पढ़ोगे कोई बोलेगा ऑडिटर वैल्यू करता है पागल है क्या ऑडिटर वैल्यूएशन निकालता है वैल्यूएशन करने के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं अरे कौन होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो आजकल बच्चे बहुत टच में आई बैंक और कुछ लोग आय बैंक समझते उसको नहीं समझा कुछ लोग वैल्यूएशन हमारे ऑब्जेक्टिव में है अरे यस yes, नो, no. हमारे ऑब्जेक्टिव में नहीं है। कंपनी का फ्यूचर कितना अच्छा है यह बताना हमारे ऑब्जेक्टिव में है क्या नहीं, नहीं है मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ मैं कोई फ्यूचर का प्रेडिक्टर? नहीं हूं यह पचास पेज भरोसेमंद है कि नहीं यह बताना मेरा काम है जबरदस्ती मेरे इसमें ये वो फालतू की बातें ऐड नहीं करने का कर। अल्टीमेट एक ही एम है एक ही गोल है टू गिव ओपिनियन अरे टू गिव ओपिनियन मुझे बताइए आपने सुना होगा डॉक्टर्स क्या देते हैं पेशेंट जाता है डायग्नोसिस करते हैं। अरे पेशेंट जाता है डायग्नोसिस करते हैं क्या देता है ओपिनियन ऐसा बोलते हैं दूसरे डॉक्टर का अरे दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन लेना है ये डॉक्टर का कहना है कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके बिना बात नहीं बनने वाली वो उसका क्या है ओपिनियन हम बोलते दूसरे डॉक्टर के पास जाओ उसका क्या ले ओपिनियन अरे यस नो यस नो हम बोलते उसका ओपिनियन ले ऐसा क्यों बोलते हम क्यों ऐसा बोलते ओपिनियन ह्यूमन बॉडी किसने बने भगवान ने इट इज नेचर यस नो अरे यस नो भगवान ने बनाई नेचर ने बनाई ह्यूमन बॉडी उसको चेक कौन कर रहा डॉक्टर पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट एक घंटा बनाई किसने भगवान ने चेक कौन कर रहा डॉक्टर और उसमें भर भर के क्या इन्वॉल्व है जजमेंट अंदाजा क्या इन्वॉल्व है अंदाजा जजमेंट है बहुत सारा हाँ ब्लड प्रेशर बड़ा तो ऐसा हुआ होगा पेट इसके जो प्लेटलेट से कम है उससे ऐसा हुआ होगा इसका हैंड का मूवमेंट नहीं हो रहा है राइट हैंड में दर्द है लेफ्ट हैंड में दर्द है ऐसा हुआ होगा ये सब क्या है अंदाजा ये क्या है जजमेंट सेम चीज तो यहां पे हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बना अरे फाइनेंशियल सेटमेंट किसने बनाया मैनेजमेंट ऑडिटर जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन गया उसने क्या की चेकिंग मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग कितने दिन की तीन सौ अरे कितने दिन की तीन सौ पैंसठ दिन तीन सौ पैंसठ दिन उन्होंने अकाउंटिंग की हमने ऑडिटिंग की कितनी तीस दिन और हमने भर भर के क्या लगाया अंदाज़ा ऑडिट इज फुल ऑफ जजमेंट जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अंदाजा लगाते वहां पे हम गारंटी नहीं दे सकते जहां पे हम अंदाजा लगाते किसी चीज का वहां पे हम गारंटी नहीं दे सकते कैन वी गिव गारंटी अरे यस नो क्योंकि हम लोग गारंटी नहीं दे सकते इसीलिए हम देते हैं ओपिनियन अरे क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते इसलिए हम क्या देते हैं? ओपिनियन वंस अगेन ओपिनियन हम लोग देते हैं कैन नॉट गिव गारंटी क्योंकि हम लोग क्या नहीं दे सकते गारंटी दे सकते क्यों नहीं दे सकते मैनेजमेंट ने प्रिपेयर मारा है अरे प्रिपेयर किसने मारा है मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर हमारे पास में लिमिटेड टाइम था ऑडिट में ऐसा नहीं होता ना तीन साल बाद रिपोर्ट देना चार साल बाद अरे इन्वेस्टर मरे जाते हैं आपको पता है रिलायंस की रिपोर्ट कब आती है मार्केट में कैन एनी वन गेस थर्टी मार्च को ख़त्म होता है रिलायंस की रिपोर्ट मार्केट में कब आती है फिफ्टीन अगस्त तक रिलायंस जिसका टर्नवर 10 लाख करोड़ के आसपास है दस लाख करोड़ थोड़ा फील होने में टाइम लगता है दस लाख करोड़ लाख के कितने जीरो पांच करोड़ के सात बारह जीरो होते हैं दस लाख करोड़ का टर्न है हर क्वार्टर शुद्ध मुनाफा चालीस पचास हजार करोड़ हर तीन महीने में उनके पास में पचास हजार करोड़ आते हैं सोचो ना शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट सब खर्चे काट के और पचास हजार करोड़ आ गए और पचास हजार करोड़ आ गए इतनी बड़ी कंपनी बोलने का मतलब रिपोर्ट कब तक रेडी होती है अनलेस कुछ एक्सेप्शनल हो इट इज साइंड बिटवीन फिफ्टीन अप्रैल टू ट्वेंटी अप्रैल। कैन यू इमेजिन एक साथ 300 सौ चार्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं 300 हंड्रेड चार्ड अकाउंटेंट राउंड द क्लॉक रिलायंस का ऑडिट करते हैं और रिलायंस का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर है रिलायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उनका एक इंटरनल कंट्रोल सॉफ्टवेयर है पूरा मैनेज करता है और तीन सौ चार अकाउंटेंट कंटिन्यूसली ऑडिट करते रहते हैं और फीस है सिर्फ अभी मैंने रिवाइज फिगर नहीं देखा पचास करोड़ के आसपास नहीं कंस पूरा ग्रुप का नहीं बीस करोड़ तो नहीं है वो तो क्रॉस हो गया पचास साठ करोड़ के आसपास अरे नहीं यार ठीक कम है सही बात है मैंने भी यही बोला था कम है पचास साठ करोड़ की फीस है लेकिन ऐसे देखो ना मैडम हर साल पचास करोड़ मिल रहे कम नहीं लगते हर साल पचास करोड़ लग मिल रहा है कम नहीं है एनी वेज गाइज में बोलना चाहता हूँ आपके पास में ऑडिट करने के लिए बहुत सारा समय होता नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी लेट होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी मैंने तुमको इंपॉर्टेंट बताया एग्जाम के दो दिन पहले वो अच्छा है कि दो महीने पहले बता दो, दो महीने पहले लिमिटेड मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड और इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इसलिए हम गारंटी नहीं देते हम क्या देते हैं ओपिनियन और क्योंकि क्योंकि हम ओपिनियन देते हैं ठीक है नाउ

क्या गेम चलता है ऑडिट के अंदर बॉर्डर के उस पार रहते अकाउंट्स डिपार्टमेंट और इस पार रहते ऑडिटर्स और जंग चालू रहती है वो पूरी कोशिश करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि सब सच है और तुम पूरी कोशिश करोगे ये प्रूव करने के लिए झूठ है ये गलत है और जंग चलती रहती है और कौन जीतेगा मज़ा आता रहता है सच है कि नहीं है वो तो समझ में आता है व्हाट डू मीन बाय फेयर कौन बताएगा व्हाट डू इंफॉर्मेशन ट्रू भी होनी चाहिए और फेयर भी होनी चाहिए फेयर मतलब क्या फेयर एंड लवली गोरी होनी चाहिए वेरी गुड फेयर मतलब क्या अनबायस्ड उसका उसका जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है वो अनबायस्ड अनबायस्ड न्यूट्रल न्यूट्रल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर उसकी उसकी अकाउंटिंग उसकी अकाउंटिंग उसका प्रेजेंटेशन उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में वो फेयर होना चाहिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको बेवकूफ बनाने के इतने तरीके जैसी कोई लिमिट नहीं है कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने है वहां पे दिखता है पिछले साल फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी था 25 करोड़ रुपए कितना था 25 करोड़ और इस बार है 40 करोड़ क्या है 40 करोड़ यू आर अ इन्वेस्टर यू आर अ इन्वेस्टर व्हाट विल यू इंटरप्रिट फ्रॉम हियर व्हाट विल यू इंटरप्रिट फ्रॉम हियर पिछले साल प्लांट एंड मशीन कितनी थी 25 करोड़ इस बार कितनी दिख रही 40 करोड़ व्हाट विल यू इंटरप्रीट 25 करोड़ से कितना हो गया 40 करोड़ कितना इंक्रीज है अरे कितना इंक्रीज है 15 करोड़ इसका मतलब क्या है परचेस किया है मतलब नया प्लांट मशीनरी है कैपेसिटी बढ़ा है कि कम हुआ है कैपेसिटी बढ़ा है प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन, अरे वैल्यूएशन बढ़ेगा शेयर में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए लगाना चाहिए यस नो यस नो आपने ये इंटरपीट किया और आपने लगा दी दस लाख रुपए बाद में पता चला नोट्स टू अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन था वो नोट डिलीट कर दिया उन्होंने कंपनी ने अपने प्लांट एंड मशीन क्या किया था रिवैल्यूएशन। अब मुझे यह बताओ जो 25 करोड़ और 40 करोड़ है इज इट अ ट्रू इंफॉर्मेशन यस इट इज ट्रू इट इज इज ट्रू इंफॉर्मेशन पिछले बार 25 था इस बार 40 है और सही में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बड़ी होगी इज इट ट्रू इंफॉर्मेशन फेयर इंफॉर्मेशन इज इट गिविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही है यह बेवकूफ बनाया जा रहा है मतलब प्रॉपर सच्ची अंडरस्टैंडिंग दे रियल मतलब तुमको समझाए ये माना की इंफॉर्मेशन ट्रू थी बट वो अरे वो फेयर नहीं थी और इतना झोल करते अकाउंट्स में यही पे मार खा जाते चीजों को इस तरीके से बताते हैं कि कंपनी क्या है और क्या नहीं है इट इज नॉट अ फेयर अकाउंटिंग इट इज नॉट अ फेयर अकाउंटिंग आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं रही सेम लाइंस पे और एक ठीक है इतना बेवकूफ बनाते क्या ही बताऊं मैं आपको ठीक है और एक एग्जांपल क्योंकि इसमें तो पूरी गाथा बन सकती है मैन्युपुलेशन्स की लिस्ट है लोगों के पास में तुमने सोचा नहीं होगा ऐसे ऐसे मैन्युपलेशन करते हैं ठीक है अब देखो और एक एग्जांपल आप क्रैक करते के बताओ देखते हैं ये ए लिमिटेड है और ये ये शायद क्रैक कर लोगे तुम ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है ए लिमिटेड ने सेल किया एक लाख रुपए कितना एक लाख हे एसी सीचा टेम्परेचर वाढून दे थोड़ा बहुत गर्मी हो रही गर्मी हो रही मग रहू दे बढ़ा दे मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाने की बात रहा अच्छा फैन पाइजे राहू दे मोर कंफर्ट मोर कंफर्ट लेस स्टडीज हां लेस कंफर्ट लेस कंफर्ट कल से हम नीचे बैठेंगे सतरंजी पे बैठेंगे हम लोग ध्यान दो फिर चलो ध्यान दो अच्छा ये क्रैक करो पहले सेल कितना है एक लाख अब रीपर्चेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इसको फिर से रीपरचेस कर लेंगे एक लाख बीस हजार में या फिर एक बीस मत करो एक लाख पाँच करो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा बीस टका एक लाख पाँच हजार एक लाख पाँच हजार ठीक है तो ए सेल मार रहा है एक लाख का फिर आगे कहानी और बताऊंगा एक लाख का सेल मार रहा है और वही गुड्स को वापस खरीद रहा है ठीक है एक लाख पांच हजार में आफ्टर सिक्स मंथ्स आफ्टर सिक्स मंथ्स तो ए ने अपने बुक्स में पहले एक लाख का सेल बुक किया और छह महीने बाद परचेज बुक किया अरे सबको समझा गया कितनी कंपनी है दो कौन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड गुड्स किसने बेचे ए लिमिटेड कितने बेचे एक लाख रुपए में फिर वापस खरीदे कितने में एक लाख पांच हजार रुपए में अरे एक लाख पांच हजार रुपए में फिर से खरीदे ठीक है कितने महीने बाद खरीदे छ महीने बाद अग्रीमेंट बना हुआ है। ए बुक्स में क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए? सेल कितने का एक लाख का और छ महीने बाद परचेज कितने का एक लाख पांच हजार का यहां तक मुझे बताओ यहां तक कुछ गड़बड़ है क्या गड़बड़ है क्या यस नो यस नो Yes, no. yes. मैं तो गेम खेल रहा था कि आगे और कहानी है अब गार्ड बांध लो मैंने तुमको एक गुरु मंत्र दिया था कोई भी ट्रांजैक्शन चेक करना है सिंपली ये सोचना शुरुआत कैसे हुई थी और अंत कैसे हुआ था बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन तुम क्या कर लोगे चेक दूसरा गुरु मंत्र प्रैक्टिकल लाइफ में व्हाट इज द ब्लडी इंटेंशन साला वही माल में एक लाख में बेच रहा हूं गधा हूं क्या मैं इसमें बिजनेस लॉजिक क्या है वही माल में जो एक लाख में बेच रहा हूं वही मैं एक लाख पांच हजार में वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस नॉन सेंस ट्रांजेक्शन की मैं पहले मेरा माल बेचू एक लाख में उसको गधे जैसे एक लाख पांच हजार में खरीदू और मैं पांच हजार का क्या है लॉस में इफ यू आर ए रियल ऑडिटर यू शुड आस्क वाई दिस ट्रांजेक्शन वॉट इज द इंटेंशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट ड मेक सेंस इसमें कोई बिजनेस लॉजिक ही नहीं है बिजनेस रैशनल ही नहीं है इट इज नॉट अ फेयर प्रेजेंटेशन भूल गए तुम लोग सबस्टेंस ओअर फॉर्म लीगल फॉर्म तुमको दिख रहा है सेल एंड परचेस ऑलवेज आस्क व्हाट इज द इंटेंशन यू आस्क सिंपल क्वेश्चन जिंदगी में तो कोई तुमको बेवकूफ नहीं बना सकता बस ये सेल एंड परचेस नहीं है इट इज फाइनेंसिंग सेल परचेस नहीं है दिस इज नॉट द रियल इंटेंशन दिस इज नॉट द फेयर प्रेजेंटेशन छुपाना था एक नहीं बताना था इन्वेस्टर को कि मैंने लोन लिया है लोन को छुपाने का तरीका है कैसे सर एक लाख का सेल सेल नहीं है इट इज वन लाख लोन रिसीव एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स गिवन एक लाख का सेल नहीं है एक लाख में पैसे मिल रहे एक को अरे एक लाख में एक को एक, ए लिमिट को एक लाख रुपए मिल रहे ना इट इज लोन रिसीव एंड गुड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी ये आपका परचेस नहीं है दिस इज लोन रिसीव्ड लोन रिसीव्ड वन लाख और सिक्योरिटी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अरे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ये आपका रीपर्चेस नहीं है दिस इज लोन रीपेड विथ इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट ऑफ फाइव थाउजेंड और तुमको तुम्हारी सिक्योरिटी वापस आ गई तुमको तुम्हारी सिक्योरिटी वापस आ गई दिस इज द फेयर प्रेजेंटेशन इसी को क्या बोलते पता है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग फाइनेंस उठाया लेकिन बैलेंस शीट में दिखा नहीं अरे थोड़ा हेवी कॉन्सेप्ट हो गया कम बैक कम बैक अच्छा ये सम्झा, आपको समझा कि ये सेल और क्या था अरे सबको समझा पहले क्या था सेल फिर क्या था रिपर्चेस लेकिन कुछ लॉजिक नहीं समझा था कौन गधा ऐसा करेगा अपना ही माल फिर से खरीदा पांच हजार के नुकसान में एक लाख का सेल सेल नहीं है एक लाख का लोन मिला और गुड्स गिवन एज सिक्योरिटी और लोगों के आँख में धूल छोंक दी बताया नहीं कि मैंने क्या उठाया था लोन छः महीने बाद एक लाख पांच हज़ार दिए वो परचेस नहीं था एक लाख का लोन का रीपेमेंट और पांच हज़ार का इंटरेस्ट पांच हज़ार का इंटरेस्ट पे किया ठीक है और अपनी गुड्स की सिक्योरिटी वापस ले ली इसकी अकाउंटिंग ऑइटर जाएगा गला पकड़ेगा पागल समझा क्या तू इसको दिखा लोन रिस, लोन रिसीव्ड एंड लोन पेड नहीं तो रिपोर्ट मार दूंगा मैं कि यूअर बुक्स ऑफ अकाउंट तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और ऐसा इतना गधा बनाते हो मैं आपको बताता हूँ रहता कुछ और दिखाते कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में इतना भयंकर लेवल पे मैन्युपुलेशन रहता यू नीड टू बी रियल स्मार्ट रियल स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ट्रूथ ठीक है इसीलिए फेयर आपको रहना जरूरी है और एक दिखाता हूं मैं एक एग्जाम्पल था तो फेयर के लिए कौन सा रिवैल्युएशन और एक एग्जाम्पल कौन सा था रिवैल्युएशन ये आपका एग्जाम्पल था सेल एंड परचेस सेल एंड रिपर्चेस सबको सब ब्लैक मनी समझता है हाँ। अरे यस नो सर। काला पैसा काला पैसा मतलब वही जिसपे आपने टैक्स भरा नहीं है अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुश्किल है लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं अगर अगर एक प्राइवेट कंपनी है कौन सी कंपनी है, है प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है पैसा लगा प्राइवेट कंपनी है, रिटर्न में क्या मिलता है डिविडेंट अरे यस नो डिविडेंट इज वेरी पेनफुल डिविडेंट इज वेरी पेनफुल वेरी पेनफुल पहले प्रॉफिट दिखाना पड़ता है उस पर क्या भरना पड़ता है टैक्स कितना परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट टैक्स भरना पड़ता है शिट्स यार थर्टी परसेंट टैक्स भरना पड़ता है फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से क्या बाटेंगे डिविडेंड उसमें पहले था अब नहीं है उसमें भी लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स साला जान ही ले लो पहले माल बेचा तो जीएसटी फिर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट कमाया तो इनकम टैक्स अभी डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स साला सौ रुपए कमा दो हाथ में आता चवन नहीं तो कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहते हैं डोंट वरी सर यह करने के भी दो रास्ते रहते हैं कुछ लोग एथिकल खेल देते हैं इसमें कैसी गड़बड़ करते मैं आपको बताऊं, बोले साहब एक काम करो कितने का डिविडेंड चाहिए बोले हमको टोटल डिविडेंड चाहिए पांच करोड़ का पांच करोड़ का परचेस दिखा दो कंपनी से पैसा निकाल लो पांच करोड़ क्या दिखा दो परचेस परचेस रहेगा तो टैक्स का डिडक्शन साला हमको लूटने आया था अब मैं दिखाऊंगा पांच करोड़ का परचेस और उस पर डेढ़ करोड़ का टैक्स सेविंग अरे हवा लग रही क्या अरे पांच करोड़ का परचेस एक्सपेंस के ऊपर कितनी परसेंट सेविंग है अरे ये नहीं समझा तुमको अभी एफएम होने का है लेकिन इतना समझता है कि तुमको जब खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपके टैक्स की सेविंग हो जाएगी अरे समझ रहे है क्या देखो अभी तुम्हारा लेवल कैसा है और मेरा लेवल कैसा है अभी उस भाई सिंक होने में टाइम लगेगा इसलिए पूछता हूँ नहीं तो नहीं बोलना सर नहीं समझा पांच करोड़ खर्चा दिखाऊंगा तो डेढ़ करोड़ का टैक्स का सेविंग साला हमसे टैक्स ले रहा था पांच करोड़ खर्चा दिखाऊंगा डेढ़ करोड़ की सेविंग करूंगा और वो पैसे पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन Tax भी नहीं भरूंगा और उसको मैं पहले पर्सनल रिटर्न में भी नहीं बताऊंगा पैसा ही पैसा इसको बोलते ब्लैक मनी जनरेशन अरे क्या बोला ब्लैक मनी जनरेशन बस आप नकली नाम पे आप खर्चों को दिखाओ नकली नकली नाम पे आप खर्चों को दिखाओ पैसा निकालो और टैक्स मत भरो आपको बुक्स में ऐसा दिखेगा कंपनी को, तो को तो कोई डिविडेंड भाई कंपनी बेचारे शेयर होल्डर सालों से डिविडेंड नहीं मिला आपको आंसू आ रहा है मतरो तुमको नहीं पता क्या क्या खा रहा है अरे समझा गया कंपनी कर -कर में से पैसा निकालते रहते एक दिन कंपनी को पैसों की जरूरत रहती लेकिन अपने तो पूरा पैसा निकाल लिया किसमें ब्लैक मनी में Black Money. अरे इधर तक हवा लगी क्या? फिर एक काम करते वापस पैसा लाना है स्क्रैप सेल बताते। कंपनी ने क्या बेचा स्क्रैप कोई स्क्रैप नहीं रहता स्क्रैप सेल बेचा कितने का पांच करोड़ का ब्लैक मनी को वापस कंपनी में लेकर आ गए साला मजाक बना के रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ब्लैक मनी जनरेट करना है नकली खर्चे डाल दिए फिर लाना है तो स्क्रैप सेल स्क्रैप सेल के नाम से लेकर आ गए वापस भाई साहब और ये सब एक्सपर्ट एडवाइस चार्ट अकाउंटेंट अरे भाई जो दिमाग प्रॉफिट इंजीनियर्स होते कुछ सी एस हाँ साहब क्या चाहिए हम्म जाएगा ये प्रिस्क्रिप जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता ना हाँ इसको ऐसा ऐसा करो ऐसा तो। ये एकदम अच्छा यही तो सीए का दिमाग है मजाक थोड़ी है और इससे भी हायर प्लानिंग कभी कभी सीए करते हैं ज़ोरदार साहब एक काम करो कितना पैसा लगाना है कंपनी में बोले सौ करोड़ ठीक है दस करोड़ लगाओ शेयर्स के नाम पे नब्बे करोड़ लगाओ डिबेंचर्स के नाम पे दस करोड़ लगाओ शेयर्स के नाम पे नब्बे करोड़ लगाओ डिबेंचर्स के डिबेंचर पे इंटरेस्ट रहेगा और इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल yes. देखो कंट्रोल तो तुम्हारे पास ही रहना है सौ करोड़ के शेयर तुम रखो तुम मालिक हो दस करोड़ के शेयर तुम रखो तुम मालिक हो अरे शेयर होल्डिंग में परसेंटेज होता है ना यस नो मैं किसी आदमी को सौ करोड़ के शेयर दू और हंड्रेड परसेंट होल्डिंग उसको दे दू तो भी वो मालिक है मैं उसको सिर्फ दस करोड़ के शेयर दू हंड्रेड परसेंट होल्डिंग दू तो भी वही मालिक है और डिबेंचर कितने का डाला नब्बे करोड़ का इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल अरे कुछ हवा लगी क्या भाई साहब जब चार्ट अकाउंटेंट बैठता है ना प्लानिंग के लिए ऐसे एकदम खटा खट समझ में नहीं आता दुनिया किधर चली गई एनी तुम जा मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ फ्यूज उड़ रहा है क्या बकरा है तू क्या बकरा है तू एनीस ध्यान दो मैंने कुछ एक बट देन ये आपका दिमाग खोलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आप बताओ आप बैलेंस शीट पी देखा सबने यस yes, नो no. तो आप ऐसा करते हो ना टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट मतलब तुम बैलेंसिंग क्या निकालते प्रॉफिट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता प्रॉफिट तो पहले लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर परचेस निकालते भैया जब ये सीए लोग बैठते हैं ना तो सर फोड़ना पड़ता है इसने प्लानिंग क्या मारा है और मैं बोलता हूँ चलो दिमाग दिमाग है अब कुछ लोग इसको बोलेंगे एथिकल कुछ बोलेंगे अनएथिकल मुझे लगता है दिमाग लगा कर जो डिबेंचर वाला काम था उसने रूल्स के साथ खेला रूल्स के साथ खेला और उसने फिर टैक्स को बचाया और टैक्स प्लानिंग व्लानिंग में तुम इसलिए जो बंदा सारे सब्जेक्ट जानता है और जो ये भी जानता है कि को कैसे घुमाना है ऑडट्रो कैसे घुमाना है वो तो सर्वगुण संपन्न है मतलब वो अकाउंटिंग भी कर डालेगा टैक्स की प्लानिंग भी कर देगा और ऑर्डर को क्यूट भी बना देगा जिसको समझ में आने वाला नहीं है ओके okay, और पूरा गेम यहीं पे होता है फेयर प्रेजेंटेशन पे अगर आपको सिंपली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये सब एग्जांपल्स थे रीवैल्यूएशन का एक एग्जांपल था सेल एंड रीपरचेस का एक एग्जांपल था ब्लैक मनी ब्लैक मनी जनरेशन से कनेक्टेड था और एक यहां पे था डिविडेंट वर्सेस डिबेंचर इंटरेस्ट स्मार्ट चार्ट अकाउंटेंट बनो जो भी बनो सामने आने भी सोचना चाहिए क्या सीए भैया क्या दिमाग लगता है दिस शुड ब्रिंग आउट द ए गेम इन यू साला दुनिया को पता ही नहीं चलेगा मैं कहां से क्या करके गया बराबर और कुछ लोगों को बहुत एक्साइट करते हैं थोड़े से ऐसे ये वाले काम अलग ही एक्साइटमेंट आता है बोले पकड़ने से ज्यादा करने में कहां मारा बोले हां तू हंस ले तू हंस ले देखो क्लास में नहीं क्या बॉलिंग करते रहने का मैं बैटिंग करते रहेगा है ना हाँ यॉर्कर वॉर्कर में एक हाथ बराउट भी हो जाएंगे मैं चलते ना उसमें नहीं मजा आते रहना चाहिए ये साला हंसी रहे बोले हेमंग ने और पूछा है सर फिर टैक्स का कैसा बिल्कुल टैक्स की पूरी प्लानिंग होती है मैं आपको सिंपलेस्ट मैंने जो अभी आपको प्लानिंग बताई ना वो प्रैक्टिकल लाइफ की पांच परसेंट है प्रैक्टिकल लाइफ की पांच परसेंट प्लानिंग है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ऐसे गेम खेले जाते हैं कि जिस दिन तुमको पता चलेगा ऐसे ऐसे गेम है तुम्हारा विश्वास दुनिया से सच्चाई से ईमानदारी से तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा तुमको लगेगा मैं इतने सालों तक सबसे बड़ा गधा था मैं क्यूट था बोले इतना बड़ा क्यूट बोले मैं ठीक है चलिए अभी मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं इतनी नहीं तो लोग की इतने फ्रॉड अरे बाप रे बाप नहीं नहीं अबे फिर साला बोलेंगे हमारी क्लास क्या हम फ्रॉड की क्लास पे जाते बोले बस यही सीखते हम लोग फ्रॉड कैसे करने हैं और फ्रॉड कैसे पकड़ने जिसको जो अच्छा लगे पकड़ लो ये साला बहुत बहुत तुम्हारी जो ट्रेनिंग हुई है ना कंडीशनिंग तो बहुत ही गंदी हुई है तुम्हारी ट्रेनिंग ठीक है अबे तुम्हारा कल बॉस कुछ बोलेगा तू हंस देगा वहां पे बॉस तुम बॉलिंग करो ना लिसन क्विकली डेफिनेशन सब देखो मैंने कोई रटवाया नहीं इफ यू स्टडी समथिंग वेरी लॉजिकली रिमेंबर ऑड इट इज Systematic, independent examination of financial records and financial statements with ultimate objective to give opinion whether financial statements give true and fair view. Each and every word has been written with lot of understanding there. And this is definition given by CA Institute, this is the finest. डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इसमें जो एस्पेक्ट्स कवर है हमको बहुत ज़्यादा ये हेल्प आते रहेंगे और मैं आपको बोलूँगा मैं हर लेक्चर में तुमको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ की बताऊँगा कि कैसे बैलेंस शीट में सिर्फ सौ करोड़ रहते हैं और दिखाते तीन सौ करोड़ ऐसे भी चीज़ें रहेंगे आप भी आपके तरफ से आपने कुछ सोचा हो कि मैं ऐसा करूँगा या फिर मैंने ऐसा देखा है तो मेरे साथ में शेयर कर सकते नाउ आइए नाउ वी नो द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी सवा तीन हो गए भाई साहब सवा तीन कैसे हो गए ओके okay. पता ही नहीं चला हम इतना फ्रॉड फ्रॉड खेलने लगे अच्छा अब अपने क्लास चलो कल आ जाएगा अपना एक हीरो है दैट इज रितेश दरक। फेस टू फेस क्लास का बच्चा और ये बंदे ने साढ़े तीन सौ क्वेश्चन लिखे पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में टेस्ट सीरीज में ऑडिट में सबसे टॉप में स्कोर करने वाला बंदा वो आज आ नहीं सका उसकी आज से ट्रेनिंग शुरू हुई करेक्ट गाइज फेस टू फेस मोड हो या ऑनलाइन मोड हो या रिकॉर्डेड आप जितना एफिशिएंटली आप पढ़ोगे जितना आप मज़ा लेकर पढ़ोगे उतना मजा आएगा क्विकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले चीज़ों को समझा इंट्रोडक्शन था बैकग्राउंड था बैकग्राउंड के बाद में हमने देखा लकिन कॉफी में कैसा बेवकूफ बनाया और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे खा गए फिर हम लोगों ने हम मॉल सिंपल डेफिनेशन चेक करके रिपोर्ट देना इंटरन का सिंपल डेफिनेशन इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके रिपोर्ट देना अरे यस नो फिर हम लोग वहां से हम लोग आगे बढ़े ठीक है हम लोगों ने डेफिनेशन देखी ऑडिट की ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको एक टेलीग्राम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और आप चिंता नहीं करेंगे उसकी लिंक मैं अपने ये उसका क्यू आर कोड है इंटर ऑडिट रवि सर ये अपना लेटेस्ट ग्रुप है मैं स्क्रीन से बाहर हो जाऊँ तो बहुत बेटर स्कैन करने में आपको आज डी पी क्यू नहीं रहेगा कल से डीपी क्यू शुरू करेंगे और आपको डीपी क्यू चेक करके भी मिलेगा ठीक है कैसे मिलेगा जैसे आपको टेस्ट पेपर का प्रोसेस है बस वही प्रोसेस है ये ज्वाइन कर लीजिए आज का ऑडियो रिविजन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन का रहेगा ऑडियो रिविजन एक गोल्डन रूल है घर पे जाके दो दिन का ऑडियो रिविजन सुनने का उसके अलावा आपको और कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है ठीक है गाइज कल हम लोग ऐसे के बेसिक देखेंगे एंड टूमारो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ठीक है आपकी जो सैंपल बुक है अभी सैंपल बुक है आप लोगों को जो मेन बुक है दो तीन दिन लगेंगे दो तीन दिन में आपको वॉल्यूम वन मिल जाएगा करेक्ट बहुत अच्छा लगा प्यारा लगा अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई माहौल करते हैं चलो माहौल करने आगे बढ़ेंगे